यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस। ये जो क्लास है ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉमर्स, एक है मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के कोर्स 17 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और एक इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी। तो तीनों बच्चों के लिए जो है ये क्लास बहुत ही रेलिवेंट होने वाली है, क्योंकि तीनों के अंदर मोर और लेस इंटरनेशनल बिजनेस का जो सिलेबस है वो सेम है। थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में एक दो टॉपिक आगे पीछे है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में एक दो टॉपिक आगे पीछे है। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो पूरा का पूरा आपका कवर होने वाला है। ओके, हाँ जी, तो ये हमारी बुक थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी थी। इस बुक के अंदर हमने पूरे के पूरे इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट के टॉपिक को जो है वो 8 चैप्टर्स के अंदर हमने बनाया था। ओके, 8 चैप्टर्स जो हमारे थे उसके लिए हम लोगों ने 43 लेक्चर्स जो है वो हमने लगाए थे। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, आपने देखा होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस एंड को हमने टोटल मिला के पहले तो आईबी के चैप्टर्स को कितने 8 चैप्टर्स में बाइफरकेशन किया पूरे सिलेबस को। जैसे सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट, इसके 9 चैप्टर हमने बनाए, 9 क्लासेस बनाई थी इसकी। थ्योरीज की हमने 3 क्लासेस बनाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 7 क्लासेस बनाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट की 2 क्लासेस है, IMF की जो है वो हमारी 7 क्लासेस थी, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की 5 क्लासेस थी, FTP की 4 क्लासेस और बिजनेस एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट की 6 क्लास। तो टोटल मिला के हम लोगों ने जो है वो 43 लेक्चर जो है वो बनाए थे, 43 लेक्चर हम लोगों ने जो है वो बनाए थे अपने बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको जो है वो हर एक कॉन्सेप्ट को ऊपर ऊपर से सारा जो है वो बताते चलूंगा, ताकि क्विक फॉर्म के अंदर जो है वो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है वो गो थ्रू हो जाए। तो अभी इस क्लास का जो मेन मोटिव है वो ये है कि पूरे के पूरे सिलेबस को जो है वो 2 या 3 घंटे के अंदर जो है वो क्या करना, समराइज करना। जो हमारी रिवीजन क्लास है उसको 2 पार्ट में हम बनाएंगे। शुरू के 4 चैप्टर, जो पहले जो 4 चैप्टर हैं ये, इनकी 1 वीडियो बनाएंगे और आगे के 4 चैप्टर की 1 वीडियो बनाएंगे। तो टोटल जो है 2 लेक्चर के अंदर, मतलब 2 क्लास के अंदर हम लोग जो है ये 43 लेक्चर का काम जो है वो कर जाएंगे। ओके, हाँ जी, आपको सिंपली बस करना क्या है, आप जो बुक है अपने इस बुक को खोल के बैठिएगा, मैं बोलते जाऊंगा और आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज होता जाएगा। ओके, हाँ जी सर, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर को। पहले चैप्टर का नाम जो है वो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट। अगर बात करूंगा फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो करने क्या वाले हैं, पूरा का पूरा इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसका जो मेन ब्रीफिंग जो थी वो सब इस चैप्टर के अंदर जो है वो करवा रखी थी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस। इससे पहले थोड़ा सा एक बार जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक बार समझा देता हूं आईबी का जो बेसिक मीनिंग जो है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 2 टर्म से बना, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस में 2 टर्म है, एक है इंटरनेशनल और एक है क्या, बिजनेस। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द, क्या होता है, अक्रॉस द नेशन को क्रॉस करके अगर आपको बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसको बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल का मतलब जो है वो क्या हो गया जी, कंट्री की बाउंड्री जो है हमारे, जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री है उनको क्रॉस करके जब हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल। और बिजनेस का मतलब क्या है सर, बिजनेस के 2 सबसेट होते हैं, एक होता है बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री और एक होता है क्या, कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री का मेन काम होता है कन्वर्जेंस करना, बेसिकली जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन होता है ये 2 तरीके से होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, एक होता है प्रोडक्शन के थ्रू, आपको मैंने बता रखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सब काम जो है वो है किसका, इंडस्ट्री का। ओके, और जबकि अगर बात करूंगा कॉमर्स, तो कॉमर्स के अंदर 2 चीजें आएंगी, एक आएगा ट्रेड। ट्रेड जो है बहुत छोटी टर्म है जो एक बिजनेस का पार्ट है। तो अगर बात करेंगे हम ट्रेड, या अगर मैं बात करूं बिजनेस, तो इसमें बड़ी टर्म जो है वो कौन सी है, बिजनेस। और बिजनेस के अंदर जो है वो किया जाता है क्या, ट्रेड। उसी तरीके से अगर इंटरनेशनल वर्ड को साथ में जोड़ दे कि इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड, इनमें कौन सी बड़ी टर्म है, तो आप क्या बोलोगे, सर इंटरनेशनल बिजनेस एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड आता है, बात खत्म। ट्रेड के अंदर आता है सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज जो है वो सब पार्ट है किसका, ट्रेड का। और ट्रेड को करने के लिए जो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज हम करते हैं वो दूसरी होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जब इन दोनों को हम जोड़ दे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमर्स। और कॉमर्स जो है वो सबसेट है किसका, बिजनेस का। तो इसी तरीके से ये जो टर्म सेल और परचेज है, इस सेल और परचेज को यूज करते हैं हम डोमेस्टिकली। जब आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे होते हो
मतलब अपने फोर कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री के बीच में बिजनेस कर रहे हो, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर बिजनेस कर रहे हो, तो सामान को परचेज करने को बोलते हैं परचेज और बेचने को बोलते हैं सेल। लेकिन अगर यही सब काम जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जाके जब आप लोग करते हो तो यहां पे सेल टर्म को जो है हम इसको हम सेल नहीं बोलते, अब वहां पे हम बोलेंगे क्या एक्सपोर्ट। मतलब सामान को बेचना इज नोन एज सेल, लेकिन वही सामान को इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के अक्रॉस द बॉर्डर जाकर के बेचना उसको बोलेंगे क्या एक्सपोर्ट। किसी सामान को खरीदना इज नोन एज परचेज, लेकिन उसी सामान को बाहर से खरीदना बोले तो अपने बॉर्डर को क्रॉस करके विदेशों से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो सामान को परचेज करना इज नोन एज द क्या बोलेंगे उसको इंपोर्ट। ये बात समझ में आएगी क्या? तो सेल और परचेज वर्ड जो है उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किन वर्ड से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। बात खत्म हो गया। यहां पे दो दो बातें निकल के आई है। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस में से वाइडर टर्म कौन सा। तो आप क्या बोलेंगे सर इंटरनेशनल बिजनेस इज ए मोर वाइडर कॉन्सेप्ट देन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। बात खत्म हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड में तो दो ही चीजें आती है, एक आता है क्या इंपोर्ट और एक आता है क्या एक्सपोर्ट। जबकि अगर बात करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस का तो उसके अंदर इसके अलावा बहुत सारी बातें और भी आती है। जैसे बिजनेस के अंदर क्या आप सेल परचेस करते और कोई काम नहीं करते? करते हैं सर, हम प्रोडक्शन भी करते हैं। हाँ जी, वो सब इसका पार्ट हो जाएगा। बिजनेस का पार्ट है ना? हाँ जी, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट भी हो जाएगा। क्या आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं? हाँ जी सर करते हैं, तो वो भी इसका पार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे मेन क्वेश्चन ये बन सकता है, असर्शन रीजनिंग बन सकता है कि बताइए वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा या स्टेटमेंट बना के दे दे। तो आप क्या बोलोगे? इंटरनेशनल ट्रेड इज ए नैरोअर कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल बिजनेस इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट। आगे अब क्वेश्चन ये है इंटरनेशनल का मतलब क्या? देखो ये मैंने यहां पे जो है वो बनाया इंडिया, ये हमारे जो है ये डोमेस्टिक बाउंड्री होती है ना। हां जी, डोमेस्टिक बाउंड्री के साथ में अपना जो ये पानी है जो समुद्र है, तो इंडिया जो है वो कहां तक फैला हुआ है? ये जो हमारा जो कोस्टल एरिया है इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया, ठीक है। कोस्टल एरिया प्लस में TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब अपने यहां से कोस्टल लाइन से लेकर के और 12 नॉटिकल माइल जो जमीन का जो एरिया है उसको नापते किलोमीटर्स में और पानी के एरिया को नापते नॉटिकल माइल्स में। ओके, तो अपने कोस्टल लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल बोले तो 22 किलोमीटर तक का जो एरिया, ये जो पानी है ये पानी भी भारत का पानी है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। मतलब इस पानी के ऊपर अधिकार जो है वो किसका है? भारत का है। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहां तक जो है वो इंडिया फैला हुआ है। एक बार ध्यान देना, इंडिया जो है ओनली कोस्टल लाइन तक फैला हुआ नहीं है, इंडिया कहां तक फैला हुआ है? TWI तक, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया तक इंडिया जो है वो क्या है? फैला हुआ है। पहली बात तो ये खत्म हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है सर, अगर मान लो हम यहां से, ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं बाहर से बोल तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर एज पर UN यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 195 कंट्रीज है। 195 में से एक कंट्री तो चलेगी हमारा प्यारा भारत, बोले तो इंडिया, और बाकी रहेगी कितने? 194। ये जो 194 कंट्रीज है इनको बोलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब शेष विश्व, पूरे विश्व में से अगर भारत को हटा दे तो बाकी जो बचा उसको बोलेंगे शेष विश्व, शेष मतलब रिमेनिंग जो रह गया। ओके, तो इसको बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर कोई भी सामान इंडिया में आता है डेट इज नोन एज द इंडिया के लिए इंपोर्ट, और इंडिया से कोई भी सामान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा दैट मींस इंडिया के लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक कंट्री के लिए जो इंपोर्ट होता है वो दूसरी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होता है, और एक कंट्री के लिए जो एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्री के लिए इंपोर्ट होता है। बात खत्म हो गया। तो यहां पे अब ध्यान से समझिएगा, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई सामान आ रहा है कहां पे? इंडिया में। अब इंडिया का मतलब क्या? चाहे वो कोस्टल लाइन के अंदर है, चाहे वो TWI में भी आया, टेरिटोरियल वाटर में भी आया, बाहर से अगर कोई सामान चाहे यहां पे आया कोस्टल लाइन के अंदर आया चाहे TWI में आया, दोनों ही जो है वो क्या है? इंपोर्ट है। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो इंपोर्ट के लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो सामान कोस्टल लाइंस के अंदर आना चाहिए, नो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। दूसरा, अगर यहां से मतलब कोस्टल लाइन के अंदर से अगर कोई सामान बाहर को गया, या अगर TWI से भी कोई सामान बाहर को चला गया, समुद्र से ही अगर बाहर कोई सामान जो है वो चला गया, तो उसको भी बोलेंगे क्या? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो कोस्टल लाइन के अंदर से जाए। तो पहली बात यहां पर जो आपको मैं समझाने चाह रहा हूं, डेट मीन्स कि इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, बोलते हैं उसको इंटरनेशनल मतलब क्या? अक्रॉस द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री को क्रॉस करके। अब बाउंड्री को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का मतलब क्या? तो बाउंड्री के लिए यहां पर कोस्टल लाइन नहीं है, यहां पे जो बाउंड्री का मीनिंग है दैट इज द TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया कहां तक फैला हुआ है? इंडिया की डेफिनेशन जो है वो मैरिटाइम जोन एक्ट के अंदर दिया गया, और बोलता है इंडिया इंक्लूड्स TWI, मतलब इंडिया में TWI भी आता है। तो ये कोस्टल लाइन तो इंडिया का पार्ट है ही है, प्लस में जो TWI है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का पार्ट है।
ओके जी सर। तो इंडिया से कोई भी सामान बाहर को लेकर जाना इज नोन एज एक्सपोर्ट, बाहर से कोई भी सामान इंडिया में लेके आना इज नोन एज इंपोर्ट। टोटल मिला के यूएन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो है वो कितनी कंट्रीज हैं, 195, जिनमें से एक हो गया मेरा प्यारा भारत, बाकी रहेगी 194 कंट्री को बोलते हैं हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से जिस कंट्री के साथ में मेरे बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करता हूं, दैट कंट्री इज नोन एज अ होस्ट कंट्री। क्या बोलूंगा, होस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे 195 में से एक तो इंडिया, इंडिया इज माय होम कंट्री। क्या बोलेंगे इंडिया को, होम कंट्री। और इसके अलावा जो कंट्री बची रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से एक कंट्री मान लो यूएसए, जिसके साथ मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं, तो यूएसए इज नोन एज अ होस्ट कंट्री। तो यूएसए पार्ट तो है किसका, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, लेकिन उसको बोलेंगे हम लोग क्या, होस्ट कंट्री। बात समझ में आ रही है क्या जी सर। अब क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही वाइड टर्म है, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड भी आएगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आएगा क्या क्या, इंटरनेशनल ट्रेड आएगा। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब, पहले ट्रेड का मतलब बोलो सर, ट्रेड मीन्स सेल एंड परचेज, और अगर वही सेल परचेज अक्रॉस द बॉर्डर जाके करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आएगा सर, वहां पे हम लोग जो है वो परचेज वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंपोर्ट से, और सेल वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, एक्सपोर्ट से। तो इंटरनेशनल बिजनेस में एक तो आएगा इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा आएगा फॉरेन में प्रोडक्शन। अगर आप काम फॉरेन में जाकर के कोई प्रोडक्शन करता है, वो भी पार्ट है किसका, बिजनेस का, क्योंकि प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड फॉरेन प्रोडक्शन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आप विदेश के अंदर कोई पैसा जो है वो क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, या विदेश से कोई पैसा अगर इंडिया के अंदर आता है तो उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होता है FDI, जब पैसा बाहर से कंट्रोल लेने के लिए आया FDI, और अगर पैसा बाहर से कंट्रोल पर्पस नहीं था, बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए आया, उसको बोलेंगे FPI, डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। और अगर मान लीजिए इंडिया से आपने कोई भी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड किया, कहां पे, फॉरेन में, इंडिया से कोई सर्विस को प्रोवाइड किया, या बाहर से कोई भी सर्विस इंडिया के अंदर आपने जो है वो क्या करिए, रिसीव करी है, तो वो भी पार्ट है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। तो यहां पे समअप हो गया अपना, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही वाइड टर्म है, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड आएगा, फॉरेन प्रोडक्शन आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन सर्विसेज आएगा। आई होप क्लियर होगा जी सर। तो बताओ जल्दी से, बड़ी से मीनिंग को, इंटरनेशनल बिजनेस सर, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब हो गया बाहर से कोई भी सामान, या फिर जब हम सिंपल सी डेफिनेशन, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, अब बिजनेस एक्टिविटी में क्या, कोई भी सेल, कोई भी परचेस, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्रोविजन ऑफ सर्विस या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जब ये सब बिजनेस एक्टिविटी अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर जाकर के करते हैं, डेट इज नोन एज द, बोलो डेट इज नोन एज द, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप क्लियर है। हाँ जी सर, अब एक बार आपके माइंड के अंदर फिट हो गया कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है, ओके, तो हम यहां पे कोई भी डोमेस्टिक बिजनेस की बात नहीं करने वाले हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करने वाले हैं, ओके। पूरा अब तक का अमेंडेड, मतलब आज जो है वो डेट हो गई है क्या, 1 सितंबर 2021, आज तक की पूरी अमेंडेड करके जो है ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। तो क्या बोलता है, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू दोस बिजनेस एक्टिविटी दैट टेक प्लेस बियॉन्ड, वो सभी बिजनेस एक्टिविटी जो कहां पे हो रही है, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री, मतलब जो कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट है, और ज्योग्राफिकल लिमिट का मतलब क्या, बोलो कोस्ट लाइंस प्लस में TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसके बियॉन्ड जाके अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, डेट इज नोन एज द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डेट आर डिवाइस एंड कैरी आउट अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बात खत्म हो गया। अब यहां पर बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू द ट्रेड ऑफ द गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी कैपिटल नॉलेज अक्रॉस द, कहां पर जाकर के, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री एंड एट ए ग्लोबल और द ट्रांसनेशनल स्केल। दोबारा समझिएगा, बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब बता रखा है, इट रेफर टू द ट्रेड, कोई भी ट्रेड किस में, गुड्स में या सर्विस में या टेक्नोलॉजी में कैपिटल में, और द नॉलेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके, एंड एट ए ग्लोबल, या तो ग्लोबल लेवल पे या फिर ट्रांस नेशनल स्केल पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। बात खत्म हो गया। अब स्कोप क्या है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आएगा, ये स्कोप का मतलब यहां पे इंटरनेशनल में क्या क्या
आएगा, मतलब इंटर्नशिप बिजनेस का स्कोप क्या है, उसका एरिया क्या क्या है। तो वैसे तो आपको बहुत सारी बातें मैंने बताई दी हैं, इंटर्नशिप बिजनेस के अंदर सर इंपोर्ट भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा, फॉरेन प्रोडक्शन भी आएगा, इंटर्नशिप बिजनेस के अंदर सर फॉरेन में सर्विसेज प्रोवाइड करना भी आएगा, इंटर्नशिप बिजनेस फॉरेन कैपिटल भी आएगा, FDI भी आएगा, FPI आएगा, वही सब यहां पे दिया गया है। सबसे पहला यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम से कम दो क्वेश्चन तो यहां से बनता ही बनता है आपका। चलो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या इंटर्नशिप बिजनेस का पार्ट है? हां जी सर। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है कौन सा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अभी आगे देखेंगे उसको। दूसरा, इसके अंदर क्या आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, मर्केंडाइज, मर्केंडाइज का मतलब जो है वो होता है क्या, गुड्स, जिसको आप सीन और टच कर सकते हो उसको बोलते हैं क्या, मर्केंडाइज। तो मर्केंडाइजर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना वो भी इंटर्नशिप बिजनेस का पार्ट है। थर्ड, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी, एक होता है वर्ड लाइसेंसिंग और एक होता है क्या फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी भी लाइसेंसिंग ही होती है, बस फ्रेंचाइजी जो है वो क्या ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये क्या है, इट इज अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के अंदर हम लोग जो है वो बेसिकली क्या देते हैं, हम आपको सामान को बनाने का लाइसेंस दे देंगे, बोलते फॉर्मूला दे देंगे, प्लस में अपना ब्रांड नेम भी आपको दे देंगे, लेकिन बिजनेस कैसे करना है जब ये इंस्ट्रक्शन भी हम आपको प्रोवाइड करें उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेंचाइजी। तो इंटरेस्टेड बिजनेस में दोनों आते हैं, लाइसेंसिंग भी आती है और फ्रेंचाइजी भी आती है, आगे अभी मोड करेंगे तो वहां पर ब्रीफली बता दूंगा। फिर इंटरेस्टेड बिजनेस के अंदर इंक्लूड है सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना और सर्विसेज का इंपोर्ट करना। जैसे बाहर से अगर आपने कोई बैंकिंग सर्विस लिया या यहां की किसी बैंक ने फॉरेन के पर्सन को अगर कोई बैंकिंग सर्विस दिया, ये सब जो है वो इंक्लूड है किसके अंदर, आपके इंटरनेशनल बिजनेस में। आगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर मान लो आपके यहां पे जो है वो बिजनेस साइकिल के अंदर मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे रिसेशन आ गया तो वो सामान आप बाहर पे बाहर जाकर बेच सकते हो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। आगे, बेनिफिट फ्रॉम द करेंसी एक्सपोजर, इंटरनेशनल बिजनेस से अपने को एक फायदा ये होता है करेंसी एक्सपोजर का अपने को बहुत ही मुनाफा मिलता है। करेंसी एक्सपोजर का मतलब जो है वो क्या हो गया, जैसे आपको मालूम है कि मान लीजिए अपना यहाँ का वहां का US का $1 जो है अपने यहाँ के एग्जाम्पल मान लो 70 रुपए के बराबर है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो अगर आपने जो है फॉरेन में जाके सामान बेचोगे खरीदोगे, ठीक है, और वहां से तो आपको जो है वो रिसीव क्या होगा, बोलो जल्दी से सर, वहां से अपने को जो है वो रिसीव होगा क्या, डॉलर, ठीक है। अब इसका ये जो डॉलर आपको रिसीव होगा इसको आप लोग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाकर के सेल कर सकते हो और जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उनका फायदा भी उठा सकते हो। आगे, लिमिटेशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट की कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लो कंट्री के अंदर जो है मान लो आपने ऐसा होता, अगर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो है वो कोरोना होता, ठीक है, मान लो इंडिया में कोरोना होता तो और बाहर ना होता, तो बाहर तो काम चल रहा था लेकिन इंडिया में नहीं चल रहा था, तो यहां पे आपका जो है वो सेल रुक जाती। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हो तो अब आप सेल इंडिया में ना करके बाहर कर सकते हो, तो जो लिमिटेशन थी डोमेस्टिक मार्केट वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब इंटरनेशनल बिजनेस से क्या क्या फायदा है, सबसे पहला हाई लिविंग स्टैंडर्ड, नेचुरल बात है इंटरनेशनल बिजनेस में जब कोई कंट्री एंगेज हो जाती है तो बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्ट को भी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बाहर से जर्मन कार है, बहुत अच्छी अच्छी बाहर से जो यूके की कार है जो है वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है, तो हमारे यहां का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो गया, बूस्टअप हो गया। सेकंड इज द इंक्रीज सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। अब हुआ क्या है कि बाहर से जब हम लोग जो है वो सामान को परचेज करते हैं, ठीक है, और या फिर बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर आके अगर मान लीजिए काम कर रही है तो इंडिया के अंदर जो है उनका कंजम्पशन लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा इंडिया का बढ़ गया, जिससे जो है हमारे यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता है। मार्केट जो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से क्या होगी, वाइडर। अब आप डोमेस्टिक मार्केट में बोल दो इंडिया में तो काम कर सकते हो, प्लस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके भी काम कर सकते हो। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल, आपको मैंने बताया जैसे इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए अभी क्या चले डिप्रेशन चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं, आप अपना सामान इंडिया सेल ना करके कहां पे विदेश में बेच दो तो आपके ऊपर बिजनेस साइकिल का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिड्यूस रिस्क, रिस्क जो है वो भी अपना क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि जब आप बाहर जाकर के सामान को बेचोगे तो इंडिया के अंदर मान लीजिए अगर आपने सामान बनाया और इंडिया में ही जो है वो आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो सामान को, तो एक जनरली जो है आपको फायदा तो है कि भाई आपका पैसा डूबेगा तो आप उस पर्सन को ट्रेस कर सकते हो, बाहर अगर आपने किसी पर्सन को सामान बेचा तो नुकसान है। लेकिन बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो आपको गारंटी देती है कि अगर कल को आपका पैसा बाहर डूबा तो हम आपको रिकवरी करके ला देंगे, जिससे हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गया। आगे, लार्ज स्केल इकोनॉमीज, पहले आप सामान सिर्फ अपने लिए बनाते थे, अब आप सामान जो है वो बाहर वालों के लिए भी बनाओगे, तो जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको जो है वो क्या मिलती है, बचत मिलती है। दूसरा, पोटेंशियल अनटेप मार्केट, बहुत सारी ऐसी मार्केट है जहां पे आपका सामान बिक सकता है लेकिन है कहां पे, विदेश के अंदर। इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ये आपको मदद मिली है कि आप अपना सामान उस मार्केट के अंदर जाके भी बेच सकते हो जो अभी तक जो है वो क्या थी, अनटैप थी, मतलब जिसको आपने अभी तक कवर नहीं किया था। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द चेंज एंड टू द डोमेस्टिक बिजनेस, बाहर से जब आप नई नई चीजें सीख के आते हो तो नेचुरल बात है उसको आगे अपने डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर भी आप क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, जिससे आपको जो है आपके बिजनेस में भी जो है प्रोग्रेस होती है और यहां पे जो है वो क्या होता है, इनोवेशन होती है।
डिवीजन ऑफ द लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अगर मान लो पहले आप जो है वो प्रोडक्ट ए भी बना रहे थे, प्रोडक्ट बी भी बना रहे थे, लेकिन ए को बनाने पर मुझे ज्यादा फायदा जो है वो नहीं था और मेरी जो कॉस्ट आ रही थी, एग्जांपल के तौर पे ए प्रोडक्ट को बनाने पर मेरी कॉस्ट आ रही थी मान लो 10 रुपए, जबकि बी में मेरे को फायदा था, मैं ज्यादा खुश बी प्रोडक्ट बना के था, लेकिन ए में मजबूरी थी मुझे बनाना पड़ता था। लेकिन जब कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में डील करना शुरू करती है तो उससे क्या हो गया, ये ए सामान अगर मुझे बाहर से 6 रुपए में मिल जाएगा तो अब मैं इसको बाहर से लूंगा और अपना पूरा ध्यान किस में लगाऊंगा, बी में। जब मैं एक ही काम लगातार करते रहूंगा तो क्या मुझे वर्क स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से जो है स्पेशलाइजेशन का भी अपने को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अब बिजनेस जो है वो ओनली डोमेस्टिक बाउंड्रीज में नहीं रहा, वो बाहर भी जा रहे हैं, तो जिससे क्या हो गया कि ग्रोथ का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है और पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे वो एलडीसी हो, लीस्ट डेवलप कंट्री, वहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनी जाकर जो है वो काम कर रही है। अब वहां पर जब वो जाकर काम करेंगे तो वहां पर अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, कोई भी घिसी पिटी कंट्री में, मान लो युगांडा टाइप कंट्री के अंदर जो है हम लोग चले गए, वहां पर हमारी कंपनी ने जाके काम किया, तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा जिससे उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये सब जो है वो बेनिफिट है किसके, इंटरनेशनल बिजनेस के। और ऑप्टिमल एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन उनके वहां पे उतनी उनकी डिमांड नहीं थी, तो उनके जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाते थे। अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हो गया, जो उनके पास एक्सेस रिसोर्स पड़े हैं वो दूसरे कंट्री को देते हैं और पैसा कमाते हैं। फिर कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर भी जो है वो क्या हो गया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले बहुत ही रिजिड कल्चर था अपने इंडिया में, गाँव में अगर आप जाओगे तो वहां बहुत ही खराब जो है वो सिस्टम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। आगे, नीटिंग द वर्ल्ड इनटू ए क्लोजली इंटरेक्टिव विलेज, अब जो है पूरा विश्व एक गांव के अंदर आकर के या एक क्लोज विलेज के अंदर आकर के जो है वो क्या हो गया, सिमट गया, कहीं पे भी जाना अब अपने लिए जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आया नया कॉन्सेप्ट, दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री मूवमेंट करना, अक्रॉस द बॉर्डर जाना, ठीक है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग जो है वो ये है, अपनी कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में क्या करना, जोड़ना, डेट इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। तो आप ग्लोबल हो गए अगर आपने अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में क्या कर लिया, जोड़ लिया, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द फ्री, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आएगा क्या, फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, फ्रीली क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करना किसका, गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का, पीपल का, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब क्वेश्चन ये है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो अपने को क्लियर हो गया, बट ग्लोबलाइजेशन जो है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, तो यहां पे हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर, लेकिन पहले ये पढ़ा दूं मैं, ग्लोबलाइजेशन में भी डिफरेंट एज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एंड कन्वर्जेंस करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ किसका, इकोनॉमिक का, फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब अपने देश को दूसरे देश के साथ में जोड़ना, किसकी सेंस में जोड़ना, इकोनॉमिकली भी जोड़ना, फाइनेंशियली जोड़ना, कल्चरली जोड़ना एंड पॉलिटिकल सिस्टम को उसके साथ में क्या करना, टाइप करना, डेट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्रीली गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आएगा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर फ्रीली फाइनेंशियल कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब बाहर से इजीली कैपिटल मेरी कंट्री में आ भी रही है और मेरी कंट्री से इजीली कैपिटल बाहर जा भी रही है, दैट इज द फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। एक होता है कल्चर, जब मैंने दूसरों की कल्चर को थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया, बाहर वालों ने मेरे कल्चर को थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया, दैट इज द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। एंड एक होता है क्या, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करूंगा तो जब कन्वर्ज हो जाता है क्या, पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सर अपने कंट्रीज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री के साथ में क्या करना, इंटीग्रेट करना, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, बात खत्म हो गया, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन कितने लेवल पे जाके होता है, सर ग्लोबलाइजेशन 4 लेवल के ऊपर है, आपको 4 लेवल मैंने बता दिया, एक होता है कौन सा इकोनॉमिक, एक होता है फाइनेंशियल, एक है कल्चर और एक है कौन सा पॉलिटिकल, बात खत्म हो गया। अब क्वेश्चन अगला ये आया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को जो है वो प्रमोट करते हैं, मतलब इन फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, दे आर नोन एज ड्राइवर्स, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्राइवर्स। सबसे पहला इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, धीरे धीरे पहले गवर्नमेंट्स जो है, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो है वो लिबरलाइज होना शुरू हुआ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अनवांटेड बैरियर्स को रिमूव करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट ने जो है कुछ इकोनॉमिक ऐसी पॉलिसी बना रखी थी जो रिस्ट्रिक्ट करती थी ट्रेड को, अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज को हटाना शुरू कर दिया, लिबरल कर दिया, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मतलब जो अनवांटेड बैरियर्स
उन बैरियर्स को, जो भी बैरियर से, उन बैरियर को क्या करना, रिमूव करना, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लिबरलाइजेशन। धीरे धीरे कंट्रीज जो है वो क्या हो रही है, लिबरल होते जा रही है, और लिबरलाइजेशन की वजह से जो है वो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जा रहा है आपका। सेकेंड इज द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू का मतलब ओपनिंग, नई नई चीजें जो है वो टेक्निक के अंदर आ गई हैं, जिससे अब जो है बाहर वालों के साथ में बात करना, उनके साथ कॉन्टेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही क्या हो गया, ईजी हो गया। इसकी वजह से भी जो है ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। थर्ड इज अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा क्या आ गई है, एडवांसमेंट आ गई है। उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है वो अब दूसरे देशों में जाना भी हमारे लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है, और अपना सामान को वहां पर सेल आउट करना भी बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया हो गई है। पहले तो देखो ऐसा बोल, सात समुद्र पार जाना है अपने को, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लो, या अगर हमने किसी दूसरे नेशन में भी जाना तो अपने को बहुत बहुत वक्त लगता था। आज तो क्या, प्लेन के अंदर बैठा शेंग करके आप पहुंच गए वहां पे। तो अपने यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया हो गई है, अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से जो है अब बाहर जाना हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, और ना ही बाहर से कोई सामान मंगाना भी हमारे लिए मुश्किल रहा। दूसरा आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट जब से आया, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तब से जो है पूरा वर्ल्ड एक लिमिटेड एरिया के अंदर आके सिमट गया। आप कहीं पे भी कोई भी चीज जो है वो सर्च कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी चीज जो है वेब के थ्रू आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बहुत सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप हो गए हैं, जैसे WTO बन गया, वो ये बोलता है कि आप ट्रेड करो, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करो, कोई पंगा होगा हम बैठे हैं। IMF आ गया, वो बोलता है कि आप बिजनेस करो, जो करेंसी का लेन देन होगा उसके लिए हम बैठे हैं। तो अलग अलग जो है वो क्या खुल गए, बहुत सारे मल्टीलेटरल, मतलब अलग अलग नेशंस, अलग अलग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस ओपन हो गए हैं, जो हमको मदद करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में, या फिर जो हमको मदद करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ ग्लोबलाइज करने में। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आजकल बहुत सारे, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ SAARC। इंडिया जो है वो SAARC का पार्ट, जिसके अंदर टोटल मिला के 8 कंट्रीज है, वो आती हैं। अब 8 कंट्रीज आपस में मिलकर के ट्रेड कर रही हैं, फ्री फ्लो कर रही हैं, तो ऐसे से बहुत सारे जो है वो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो बन गए हैं, बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, उनकी वजह से भी कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज हो गई है। मूव टुवर्ड्स द फ्रीयर मार्केटिंग सिस्टम। पहले क्या होता था, पहले सिस्टम जो है वो कुछ था आपका कंट्रोल इकोनॉमी का। कंट्रोल इकोनॉमी का मतलब जो है वो होता है सोशलिज्म था पहले यहां पे, जिसके अंदर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे सिस्टम प्राइवेटाइज कर रही है, और प्राइवेट लोगों के पास जब कंट्रोल आएगा तो वो अपनी मर्जी से जो उनका मन करेगा वो काम करेंगे। तो अब सारी इकोनॉमी कहां चली गई है, फ्री मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर आ गई है, मतलब सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी अब खत्म होते जा रही है, जिससे कंट्रोल बट गया है। तो नेचुरल बात है अब सभी लोग जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमको बाहर जाना है या नहीं जाना है। ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, राइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च और डेवलपमेंट की कोर्स लगातार क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। उस कोर्स को पूरा करने के लिए मैं अपने कंट्री वाले से पूरी नहीं कर सकता, तो उसके लिए आजकल कंट्री जो है वो बहुत सारी कंपनी जो है वो क्या करती हैं, बाहर जा करके जो है वो अपने सामान को बेचती है और वहां से उस कोर्स की रिकवरी करती हैं। आगे ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गए हैं। बहुत लोग जो है वो क्या करते हैं, एक कंट्री के अंदर तो सामान रॉ मेटेरियल बन एक कंट्री से रॉ मेटेरियल परचेज करेंगे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग उसकी तो किसी दूसरे नेशन में जाकर करेंगे। तो ऐसे बिजनेस ऑपरेशन जब लगातार क्या हो रहा है, ग्लोबली एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जा रहे हैं। एडवेंट इन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक का मतलब है सामान को ले जाना और भेजना, ये भी बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्पीडियर हो गया। अब बहुत सारे हमारे पास में जो है वो अल्टरनेट अवेलेबल हैं, उनके बेस पर हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, सामान का सेल परचेज बहुत ही इजी लेवल पे कर सकते हैं। आगे इमर्जेंस होता है ग्लोबल कस्टमर सेगमेंट। अब कस्टमर सेगमेंट भी आपका डोमेस्टिक लेवल का नहीं था, वो क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। बाहर के लोग भी आपके सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी ही बात कर लूं, अगर हम पहले ओनली हिसार के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम आया तो अब पूरे सारे के सारे स्टेट्स में, सारे के सारे यूटी में हमारे जो है वो स्टूडेंट्स हैं। अब वो लोग जो है हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, अब स्टेट भी तो एक दूसरे से जो है वो क्या हो गई है, जैसे इंटरनेट की मदद से सब पॉसिबल हुआ, उसी तरीके से आप बाहर वालों की भी सहायता ले सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ, अब आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो क्या हो गया, ग्लोबल लेवल का हो गया। ये सब फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन को अगर आपने मेजर करना है, मतलब आपने ये देखना है कि आपकी कंट्री कितनी ग्लोबलाइज है, उसको नापना है, तो उसके लिए हमारे यहां पर तीन तरह के जो है वो
तीन तरह के बेसिकली आपके पास जो है वो मेथड है। सबसे पहले ट्रेड ओपननेस, आप ये देखो आपके टोटल ट्रेड के अंदर जो है फॉरेन ट्रेड का शेयर कितना, उससे आप नाप सकते हो। जैसे अगर मान लो कि टोटल ट्रेड आपका 100 रुपए का हुआ, जिसमें से 70 रुपए का ट्रेड जो है वो फॉरेन से हुआ और ओनली 30 रुपए का ट्रेड जो है वो डोमेस्टिक हुआ, तो आप बोल सकते हो आपकी इकोनॉमी बहुत ही ग्लोबलाइज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेड आप फॉरेन वाले लोगों के साथ भी कर रहे हो। तो ट्रेड ओपननेस के थ्रू आप लोग जा सकते हो। दूसरा है जी आपका केओएफ इंडेक्स। केओएफ इंडेक्स जो है उसके अंदर बेसिकली तीन फैक्टर आते हैं, वो तीन फैक्टर के बेस पर कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, उन वो बताता है कि आपकी कंट्री जो है वो ग्लोबलाइज है या नहीं है। वो तीन पैरामीटर कौन कौन सा? एक तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यहां पे देखा जाता है कि क्या जो गुड्स का फ्लो है, सर्विस का फ्लो है, कैपिटल का फ्लो है, क्या वो फ्री फ्लो है या नहीं है। अगर फ्री फ्लो है तो आप ग्लोबलाइज हो। दूसरा है सोशल ग्लोबलाइजेशन, क्या आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो इंफॉर्मेशन है, इमेजेस हैं, लोग जो है क्या वो इजिली स्प्रेड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। एंड थर्ड इज अ पॉलिटिकल, तो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो कैसी हैं। ये तीनों के बेस पर हम लोग जो है वो बता सकते हैं कि हमारी कंट्री ग्लोबलाइज है या नहीं है। इन तीनों में हमने क्या किया हुआ है, यहां पे आपने जो है बेसिकली अलग अलग वेट दिया हुआ है। जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आपने 36% वेट दिया, सोशल ग्लोबलाइजेशन को आपने 38% वेट दिया और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को आपने 26% वेटेज दी हुई है। इसके बेस पर आप डिसाइड करते हो कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइज है या नहीं है। एक तीसरा फैक्टर और भी है, डेट इज द एटेक कियरनी या फॉरन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स। इसके अंदर जो आपके फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे? चार: इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पर्सनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। इन चारों फैक्टर के बेस पर आप लोग जो है वो बताओगे कि आपकी इकोनॉमी ग्लोबलाइज है या नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया निटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ना, इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्लोबलाइजेशन को नापना हो, यह देखना हो कि हम ग्लोबलाइज है या नहीं है, उसके लिए तीन मेजर है। पहला मेजर कौन सा? ट्रेड ओपननेस का, देख लो ये आपको मैंने अभी बताया ट्रेड ओपननेस। दूसरा मेजर कौन सा? केओएफ इंडेक्स, देख लो। और तीसरा मेजर जो है वो कौन सा? एटेक केयरन या फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स। इन मेथड के थ्रू आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी इकोनॉमी ग्लोबलाइज है या नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट, अब कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को क्या करती है? सपोर्ट करती है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल एंड इट्स कंसिडर्ड टू हैव द बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इंपैक्ट। ग्लोबलाइजेशन के दोनों इंपैक्ट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ओपिनियन वेरी करता है वाइडली ऑन इट्स इन्फ्लुएंशियल नेशनल इकोनॉमीज। द मेजर आर्गुमेंट इन सपोर्ट और ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये कुछ बातें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब ये बातें वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, उसके फायदा क्या क्या। सबसे पहला जो है वो है क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ग्लोबलाइजेशन होने से आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेचुरल बात है, वो तो बढ़नी बढ़नी है, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइज हो जाएंगे तो अब हम बाहर जाके भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। सेकंड इज द एनहांस ट्रेड, आपका ट्रेड एनहांस हो जाएगा। जब आप ग्लोबलाइज हो जाओगे तो आप बाहर सामान एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। थर्ड इज द इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट। अब जब आप ग्लोबलाइज हो जाओगे तो बाहर वाले लोग आपके यहां पर भी पैसा लगाएंगे, तो आपके पास आपका जो कैपिटल का मूवमेंट है जब वो बढ़ेगा तो आपका भी कैपिटल बेस बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज द इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द लोकल फर्म। बाहर वाले लोग जब यहां पर आएंगे, वो उनके काम करने के तरीके को हमारे लोकल फर्म भी जब देखती हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखती हैं, तो हमारे यहाँ के जो लोकल फर्म्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन द कंज्यूमर वेलफेयर। बाहर वाले लोग यहाँ पे आएंगे तो नेचुरल बात है कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ता है तो उससे अल्टीमेट फायदा कंज्यूमर का होता है, क्योंकि उसको सस्ता सामान मिलता है और अच्छे रेट, मतलब अच्छा सामान मिलता है सस्ते रेट पर मिलता है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है ग्लोबलाइजेशन के। नुकसान क्या क्या? सबसे पहला डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री। ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर अनइक्वल प्लेयर होता है, मतलब डेवलप कंट्री वाला तो फायदा उठाता है इसका, डेवलपिंग वाला नहीं उठा पाता। वाइडन गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इससे ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो क्या होगा, रिच और पुअर के अंदर गैप बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कुछ मल्टीनेशनल कंपनी और भी अमीर होती जाएंगी और जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो अपनी पिछड़ जाएंगी। फिर है वाइप आउट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जब बाहर वाले लोग इंडिया में आकर के काम करेंगे मान लीजिए, तो वो अच्छे लेवल पे काम करेंगे, उनके पास इकोनॉमीज उनको मिलेंगी, सस्ता सामान लाएंगे, हमारे यहाँ वाले जो बेचारे डोमेस्टिक इकोनॉमीज हैं वो हमारी खत्म हो जाएंगी। तो हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है पूरी तरह से वाइप आउट भी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जब बाहर वाले लोग यहां पे आके काम करेंगे उनका सामान बिकेगा, हमारे वालों का बिकेगा नहीं, तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो यहां के जो लोग हैं जो उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम ये है, जब ग्लोबलाइज हो जाएगा हम बाहर से सामान को इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन करेंसी बाहर चला जाएगा, जिससे हमारा बीओपी एडवर्स हो सकता है। इंक्रीज वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है, क्योंकि पहले आप पॉलिसी बनाते थे अपने हिसाब से, लेकिन अब बाहर वाले वो अपने हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं, तो उनका आपके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाती है। डिमिनिशिंग पावर ऑफ
नेशन स्टेट, जब बाहर के लोग आपके कंट्री में आके काम करेंगे, यहाँ पे पैसा लगाएंगे, तो नेचुरल बात है वो आपसे जो है कुछ कंट्रोल की डिमांड भी करते हैं। वो ये बोलते हैं कि देखो अब आप थोड़ा बहुत हमारी भी सुनना, हमारे हिसाब से चलना, तो आपकी जो नेशन की जो पावर है वो कम कम हो जाती है। लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी भी अब धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। आप खुद देखिए कितने सारे त्यौहार वो खत्म होते जा रहे हैं, और हम आजकल ऐसे ऐसे त्यौहार बना रहे हैं जो एक्चुअल में इंडिया के थे ही नहीं, हम वो त्यौहार बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, एंड शिफ्ट द पावर टू द मल्टीनेशनल। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो सारे एमएनसीज के ऊपर को जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा भी होगा कंट्री के अंदर किसान आंदोलन वाला जो सीन चल रहा है, तो उसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा एलिगेशन लग रहे हैं किसको, अंबानी को और अडानी को। ये बोला जा रहा है कि इससे अल्टीमेट फायदा उन दोनों का होगा। तो अगर ऐसा है, मान लीजिए अगर ऐसा है, तो क्या पावर जो है वो गवर्नमेंट से अल्टीमेटली क्या उन इंडस्ट्रीज के पास चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, चल जाएगी, और वो अपने उस पावर को यूज करेंगे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सब बातें हैं जो ये बोलती है कि ग्लोबलाइजेशन का जो है वो क्या है, नुकसान है। आगे अब आएगा जी बैरियर्स। बैरियर्स की अगर मैं बात करता हूं तो हम यहां पे बोलते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ बैरियर, एक होता है आपका टैरिफ बैरियर और एक होता है कौन सा, नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ पहले तो बैरियर क्यों लगाते हैं, बैरियर लगाया जाता है क्या करने के लिए, इंपोर्ट्स को, जो बाहर से सामान को हम बारी बारी क्या करें मंगा रहे, इंपोर्ट्स को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो इंपोर्ट को रोकने के लिए हम लोग जो है वो लगाते हैं क्या, बैरियर। बात खत्म हो गया। अब ये जो बैरियर है दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका टैरिफ और एक होता है कौन सा, नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर एक ऐसा बैरियर जिसका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, प्राइसेस पे, और नॉन टैरिफ बैरियर वो जिसका पड़ता है किस पे, क्वांटिटी पे। टैरिफ बैरियर जो है वो चार तरह के हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर दो तरह की ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो कौन सी होती है, एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर, जो सामान इंडिया से बाहर जा रहा है उन गुड्स के ऊपर अगर मान लो हमारी कंट्री कोई ड्यूटी लगा रही है, कुछ टैक्स लगा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी। जनरली एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। एक होती है कौन सी, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी की अगर मैं बात करूंगा यहां पे, तो इंपोर्ट मतलब बाहर से कोई भी सामान अगर इंडिया के अंदर आएगा तो इंडियन गवर्नमेंट ये बोलते हैं जब वो सामान इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट पे हम कुछ टैक्स लगाएंगे ताकि सामान महंगा हो जाए और हम बाहर से ना मंगवाए, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, वो जो टैक्स लगता है इंपोर्ट के ऊपर। फिर है जो ये टैक्स लगता है, जो ये ड्यूटी लगती है वो दो तरीके से लगती है, बेसिस तो एक होता है स्पेसिफिक ड्यूटी, जब ड्यूटी लग रही है किसके बेस पर, जब ड्यूटी लग रही है पर केजी, पर मीटर, पर लीटर के बेस पर, बोले तो क्या फिजिकल जो फीचर्स है, फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक है उनके बेस पर अगर ड्यूटी लगती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक। जब ड्यूटी लगती है किसके बेस पर, प्राइस के बेस पर, वैल्यू के बेस पर, उसको बोलते हैं क्या, एड वैलोरम। और एक होती है कंपाउंड, जब ड्यूटी दोनों के बेस पर लगती है, मतलब स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी दोनों के बेस पर लगती है, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, कंपाउंड। फिर है ड्यूटी लगाने के पीछे पर्पस, एक होता है रेवेन्यू टैरिफ, यहां पे आपका जो मेन मोटिव है वो ये होता है कि आप बल्क के अंदर जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हो, तो यहां पे ड्यूटी का जो रेट है वो होती क्या रहता है, कम रहता है। एक होता है प्रोटेक्टिव, यहां पे ड्यूटी का रेट जो है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। एक होता है एंटी डंपिंग, डंपिंग का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये डंपिंग का मतलब होता है विदेश में जाकर के सामान को सस्ते रेट में बेचना, मतलब कोस्ट से भी बिलो जाके बेचना, उसको बोलते हैं डंपिंग। अगर बाहर वाले डंपिंग की टेक्निक को अपनाएंगे, हमारी कंट्री में सस्ता सामान बेचेंगे, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए, ऐसा ना हो तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए हमारी कंट्री जो है वो उन बाहर से आने वाले गुड्स पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाती है, उस ड्यूटी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब डंपिंग के इफेक्ट को रोकने के लिए। एक होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सीवीडी। अगर बाहर वाले जो है, मतलब बाहर की कंट्री वाले जो है, बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अगर अपने एक्सपोर्टर्स को कुछ बेनिफिट दे रही है, तो जितना उसने उसको बेनिफिट दिया उतना हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे, उसको बोलते हैं सीवीडी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। फिर ऑन द बेस ऑफ सिंगल कॉलम और एक है डबल कॉलम, रिलेशन के बेस पर दो है, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में सभी देशों के ऊपर एक ही ड्यूटी का रेट रहेगा, और डबल कॉलम के अंदर ड्यूटी के रेट दो जाएंगे, जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन है, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है या जिनके साथ हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है, उनको, उनके साथ ट्रेड करते हुए हम ड्यूटी का रेट कम लगाएंगे, और बाकी के साथ ट्रेड करते हुए ड्यूटी का रेट ज्यादा लगेगा। फिर हमारे कुछ नॉन टैरिफ बैरियर, सबसे पहले कोटा। कोटा के अंदर बेसिकली जो है हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड कर देते हैं कि कितने क्वांटिटीज आप इंपोर्ट कर सकते हो, ये सब मतलब एडवांस में बता देंगे कि इतना ही मैक्सिमम क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। सेकंड है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, बहुत सारी कंट्रीज है वो एक अपने प्रोडक्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन कर देती है और बोलती है कि बिलो स्टैंडर्ड गुड्स को हम इंपोर्ट ही नहीं करने देंगे, मतलब ये सब रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली। फिर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसके अंदर कंपनी जो है, मान लीजिए कोई कंपनी दिवाली होने वाली है, वो दूसरे, वो अपनी गवर्नमेंट पे जाती है और बोलती है कि मुझे थोड़ा बहुत जो है वो क्या दे दो, सपोर्ट कर दो आप, ताकि मैं दिवाली होने से बच जाऊं, तो गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि ठीक है हम आपको सपोर्ट तो कर देंगे, हम आपको जो है
पैसा पूसा प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप प्रॉमिस करो अब आप बाहर से कोई सामान नहीं मंगाओगे, मतलब आप जो सामान जो है वो डोमेस्टिकली वाला ही यूज करेंगे, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। फिर है प्रोडक्ट लेबलिंग। ऐसा हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि जो सामान बाहर से आएगा उस पर लेबल लगाना चाहिए, उस पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर है पैकेजिंग। ऐसा भी हो सकता है हमारे देश की गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई बाहर से जो भी सामान आएगा उसकी पैकेजिंग ऐसी हो जिसके एनवायरमेंट पर कोई भी बैड इंपैक्ट ना आए, या फिर वो रिसाइकलेबल नेचर की हो। फिर है काउंसिल ऑफ फॉर्मेलिटी। ऐसा भी हो सकता है मेरे देश की गवर्नमेंट जो है वो क्या लगा दे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि बाहर से सामान तभी आएगा जब वहां पे हमारा जो काउंसलेट स्टेशन है वो उसको क्या कर देगा, अप्रूवल कर देगा। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से जो है जब कोई सामान इंडिया में आएगा तो हमारे देश के जो गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ के इंपोर्टर को बोल दें कि बाहर से सामान तभी मंगाना जब आपके पास में नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल हो, या इसके अलावा कुछ अदर नॉन टैरिफ बैरियर भी हो सकते हैं। एक बड़ा था यहाँ पे टैरिफिकेशन का, तो यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना, और टैरिफ बैरियर भी कौन से, बाइंडिंग वाले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैरिफिकेशन। तो नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ में कन्वर्ट करना। देखो ज्यादा खतरनाक कौन से बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर, ये बात ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर पूछे तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वो ट्रेड को रोक देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर को इसलिए हम हटाना चाहते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टैरिफ बैरियर में। और टैरिफ बैरियर भी वो कौन से, बाइंडिंग वाले। बाइंडिंग वाले मतलब हम वहां पे एक रेट बता देंगे, उससे ज्यादा हम कभी भी रेट जो है वो उस गुड्स के ऊपर नहीं लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैरिफिकेशन। चलो जी, बैरियर हमारे दोनों कंप्लीट हो गए, टैरिफ और नॉन टैरिफ। अब बात आती है जी आगे, हाँ एक ये दो वर्ड है, एम्बार्गो और ब्लॉकेट, ये थोड़ा ध्यान रखना। एम्बार्गो और ब्लॉकेट दोनों के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बैन लगा देते हैं बाहर से आने वाले सामान के ऊपर, बट दोनों को अलग अलग सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं। एम्बार्गो लगता है नेशनल इंटरेस्ट में, एम्बार्गो कुछ सामान के ऊपर भी लग सकता है। अगर बाहर से 10 सामान आ रहे हैं और अपने को लगता है उनमें से दो गुड्स ऐसी हैं जिसका हमारे यहाँ पे बैड इंपैक्ट पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 8 को तो आने देंगे, 2 के ऊपर रोक लगा देंगे, उस रोक को बोलते हैं एम्बार्गो। लेकिन एक होता है ब्लॉकेट। ब्लॉकेट क्या होता है, बाहर से 10 सामान आ रहे थे, 10 के 10 अच्छे थे, लेकिन क्योंकि मेरा दूसरे नेशन के साथ में जो है वो क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री उन गुड्स के ऊपर क्या लगाती है, ब्लॉकेट। अब चाहे वो मेरे नेशन पे उनका बैड इंपैक्ट नहीं है बट फिर भी हम उसके ऊपर रोक लगा देंगे, उस रोक को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लॉकेट। ओके, तो ब्लॉकेट होती है कि कब, जब वॉर वाली सिचुएशन होती है उसकी वजह से जो है वो क्या होते हैं, ब्लॉकेट होता है। अब आएगा इंटरनेशनल बिजनेस की अप्रोच। डगलस विंड एंड पर्लमटर ने जो है वो ये अप्रोच दी थी। 4 अप्रोच है, एक है एथनोसेंट्रिज्म, एक है पॉलीसेंट्रिज्म, एक है रिजियोसेंट्रिज्म, और एक कौन सा, जियो, जिसको बोलते हैं ईपीआरजी। क्या बोलेंगे, ईपीआरजी। ईपीआरजी में सबसे पहली आती है कौन सी, एथनोसेंट्रिक। अगर बात करूंगा एथनोसेंट्रिक अप्रोच का, तो ये अप्रोच कौन सी होती है सर, एथनोसेंट्रिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे एथनिक बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम ये मानते हैं कि जैसा टेस्ट हमारे यहाँ पे लोकल लोगों का है वैसा ही टेस्ट बाहर वालों का होगा। मतलब यहाँ पे जो गुड्स बनेगा, यहाँ पे मतलब जो कंपनी एथ्नोसेंट्रिज्म के ऊपर बिलीव करती है वो सामान को बनाएगी अपने नेशन डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से, और उस सामान को बाहर क्या कर देगी, एक्सपोर्ट कर देगी। मतलब हम ये मानते हैं कि हमारा जो टेस्ट है और बाहर वालों का टेस्ट एकदम क्या है, सिमिलर है, ठीक है। मतलब हमारे एथनिक बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, हम ये मानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं बाहर वाले भी ऐसा सोचते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एथनो। यहां पे हम सामान को बनाएंगे अपने होम नेशन में और होस्ट कंट्री को क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अंडर द एथनोसेंट्रिक अप्रोच द डोमेस्टिक कंपनी व्यू करेगी फॉरेन मार्केट को एज अ एक्सटेंशन। हम बाहर वालों को बस ये मानते हैं कि हमारी डोमेस्टिक का ही बस क्या है, एक्सटेंशन है। दूसरा आएगा पॉलीसेंट्रिक। जब लेटर ऑन स्टेज पर अपने को यह पता चला कि हमारा टेस्ट और उनका टेस्ट अलग अलग है, सेम टेस्ट नहीं है, तो अब हम जो है वो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम अपने लिए जो सामान बनाएंगे वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे, और बाहर वालों के लिए सामान जो बनेगा वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। द डोमेस्टिक कंपनी विच आर एक्सपोर्टिंग टू द फॉरन कंट्री यूजिंग द एथनोसेंट्रिक अप्रोच फाइंड एट द लेटेस्ट स्टेज एट द फॉरन मार्केट नीड एन ऑल टूगेदर डिफरेंट अप्रोच। जब उस कंपनी को यह लगता है कि फॉरन वाले एकदम अलग अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो आएंगे किसके ऊपर, पॉलीसेंट्रिक के ऊपर। फिर आएगा जी कौन सा, रिजियोसेंट्रिक। रिजियोसेंट्रिक के अंदर हम क्या होता है, जब जैसे मान लो इंडिया और यूएस, हम पहले यूएस में काम कर रहे थे, मतलब इंडिया की कोई कंपनी इंडिया में भी काम कर रही है, यूएस में भी कर रही है, अपने को पता चला कि यूएस का टेस्ट अलग है, तो हमने यूएस के हिसाब से सामान बनाना शुरू किया। अब यूएस के आसपास के जो नेशन है, हमने वहां पे भी सामान बनाना जब शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, रिजियोसेंट्रिक। क्योंकि एक नेशन के आसपास के जो नेशन होते हैं, ठीक है, उनकी मोर और लेस जो डिमांड होती है वो क्या होती है, सेम होती है, उनका जो टेस्ट होता है वो लगभग क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो जब आप उस अप्रोच पे काम करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिजियोसेंट्रिक। रिजियोसेंट्रिक में आप लोग जो है वो क्या करते हैं, होस्ट नेशन के आसपास के नेशन में भी काम
करोगे और सामान जो बनेगा वो उनके टेस्ट के हिसाब से बनाते हो, उसको बोलते हैं क्या, रीजियोसेंट्रिक। और लास्ट जो है वो है कौन सा, जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो एंटायर वर्ल्ड को एक सिंगल कंट्री की तरह जब देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जियोसेंट्रिक। यहां पे हर नेशन के अंदर हम लोग जाके काम करेंगे और हर नेशन में जो काम होगा वो उनके हिसाब से होगा, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, जियोसेंट्रिक। चलो जी, इसके बाद स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी, अगर मान लो अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, कोई कंपनी इंडिया की है वो ओनली इंडिया में ही काम करती है, दैट इज नोन एज अ डोमेस्टिक कंपनी। उसका काम विदेशों के अंदर नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया में ही प्रोडक्शन कर रही है, इंडिया में सेल, इंडिया में परचेज, उसको बोलेंगे क्या, डोमेस्टिक। इसके बाद आएगा इंटरनेशनल कंपनी, कोई कंपनी जो अपना काम इंडिया में तो कर रही है, इंडिया की कंपनी जो काम इंडिया में भी कर रही है और इंडिया के अलावा किसी एक नेशन में और कर रही है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी कौन सा, मल्टीनेशनल। अगर कोई इंडिया की कंपनी जो इंडिया में भी काम कर रही है और इंडिया के अलावा 6 से 7 नेशन में और काम कर रही है, उसको बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। इसके बाद आएगा जी कौन सा, ग्लोबल। जब एक कंपनी इंडिया में भी काम करे, इंडिया के अलावा 100-150 नेशन में काम करती है, उसको बोलेंगे क्या, ग्लोबल कंपनी। वो सामान को बनाएगी किसी एक नेशन में और उसको जो है वो बाकी नेशन के अंदर जाकर के जो है वो क्या करेगी, सेल करेगी। और लास्ट में आएगा ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ग्लोबल, ट्रांसनेशनल कंपनी हमेशा कौन सी होती है, ग्लोबल कंपनी। कोई भी एक ग्लोबल कंपनी जो अलग अलग नेशन में काम करती है और अलग अलग नेशन में ही जाके सामान को बेचती है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रांसनेशनल कंपनी। ग्लोबल में और ट्रांसनेशनल के अंदर एक बारीक सा डिफरेंस है, ग्लोबल कंपनी जो है वो क्या होती है, वो किसी एक कंट्री के अंदर जाके जो है वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी और उसको सेल करेगी बाकी नेशन में, या बाकी नेशंस के अंदर जाकर के प्रोडक्शन करेगी और उसको सेल करेगी किसी एक नेशन में। जबकि ट्रांसनेशनल कंपनी वो है, ये एक ऐसी ग्लोबल कंपनी है जो अलग अलग देशों के अंदर प्रोडक्शन करती है और अलग अलग देशों के अंदर सेल करती है। तो सबसे पहले आता है कौन सा, डोमेस्टिक कंपनी जो ओनली इंडिया में काम करे, अगर इंडिया के अलावा किसी एक कंपनी एक देश में और काम किया तो उसको बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल कंपनी। फिर आएगा मल्टीनेशनल, जब कोई कंपनी इंडिया में भी काम करे, डोमेस्टिक के लिए भी कर रही है, 6-7 नेशन में भी कर रही है। फिर आएगा ग्लोबल कंपनी, अपने इंडिया में भी काम किया और 100-150 नेशन में काम किया। और फिर आएगा क्या, ट्रांसनेशनल कंपनी, कोई भी ऐसी ग्लोबल कंपनी, एक ऐसी ग्लोबल कंपनी जो इंडिया में भी काम करे और इंडिया के बाहर भी कई सारे नेशन में काम कर रही है, ग्लोबल कंपनी हो गई है। प्लस उसका जो काम है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन एक ही कंट्री में है, अलग अलग देशों में प्रोडक्शन करती है, अलग अलग देशों के अंदर सेल करती है, उसको बोलेंगे आप टीएनसी, ट्रांसनेशनल कंपनी। बस मेन बात ये ध्यान रखना, अगर ओनली ये आ जाए कि कोई कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करे, क्या बोलोगे, तो उसको ग्लोबल ही बोलना है। क्या बोलना उसको, ग्लोबल कंपनी। इसके बाद आएगा जी स्कोप एंड कवरेज, कस्टम लॉ। कस्टम लॉ के नाम पे अपने पास में 3 एक्ट है। सबसे पहला है फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो कंट्री के अंदर फॉरेन ट्रेड को क्या करना, डेवलपमेंट करने के लिए और फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना दिया, उसको बोलते हैं FTDR, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन 1992। फिर एक कस्टम एक्ट, आपका गुड्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन जो बनाए हैं वो बनाए कहां पे, कस्टम एक्ट में। और एक कस्टम टैरिफ एक्ट, जो आपने गुड्स को इंपोर्ट किया उसके ऊपर टैक्स किस रेट से लगेगा, या गुड्स आपने जो एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर टैक्स किस रेट से लगेगा, तो उसके लिए टैरिफ के लिए अलग से एक्ट बना दिया, जिसको बोलते हैं CTA 1975, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है हर 5 साल की, ये बात ध्यान रखिएगा, तो वो बनती है किसके, FTDR के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5-5 साल में आती है, वो हमारे फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के हिसाब से बनती है, ठीक है ना। आप जैसे अपने इंडिया के अंदर जो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है, मालूम कौन सी है वो, 2015-20 का, ध्यान से सुनो। पहले अपने इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो चल रही है अभी 2015-20 वाले, जो शुरू हुई थी कब, मालूम 1/4/2015 से, और ये चलनी खत्म होनी थी 31/3/2020, लेकिन इस दौरान कोविड आ गया तो इंडिया ने इसको 1 साल के लिए क्या कर दिया, एक्सटेंड। तो अब यही पॉलिसी आगे चली 1/4/2020 से 31/3/2021 तक, फिर दोबारा से कोविड आ गया, अब इसको गवर्नमेंट ने आगे फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, अब ये 1/4/2021 से और चलेगी 30 सितंबर 2021 तक। या तो गवर्नमेंट आप 30/9 के बाद में नई पॉलिसी देगी, नहीं तो गवर्नमेंट इसी को ही आगे फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती है। तो अभी करंट में जो पॉलिसी आपकी चल रही है वो है कौन सी, 2015-20 की। तो अभी हमारी जो इफेक्टिव पॉलिसी है वो है 2015-20 वाली, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए, अब क्वेश्चन आता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले आएंगे जी हमारे मोड, मोड के नाम पे आएगा ट्रेड रिलेटेड मोड। सबसे
लोअर लेवल पे, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो हम जिस मोड को यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड। इसके अंदर मतलब आपने अपने सामान को अगर विदेश में जाके बेचना तो कैसे करोगे, क्या सीधा वहां पे जाके अपनी फैक्ट्री खोल दोगे? नहीं सर, शुरुआत हम करेंगे कहां से? ट्रेड रिलेटेड मोड से। इसके अंदर सबसे पहले आएगा क्या? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दो तरीके का होगा। एक्सपोर्ट का मतलब अपने यहां से अपनी कंट्री सामान को दूसरे कंट्री में बेचना, इज नोन एज एक्सपोर्ट। दो तरीके का, एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्टली सामान बाहर वालों को बेचते हो डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जब आप किसी इंटरमीडियरी हाउस बोलते हो एक्सपोर्ट हाउस की जब आप मदद लेते हो उसको बोलते हो आप लोग का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। दूसरा होता है पिगी बैगिंग। जब आप किसी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, मतलब इंडिया की कोई कंपनी उसने विदेश में सामान बेचना है, तो इंडिया की वो कंपनी जब विदेश की किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज कर ले, जैसे विदेशों में वॉलमार्ट के शोरूम खुले हुए थे, इंडिया की कंपनी ने क्या किया वॉलमार्ट के शोरूम में अपना सामान रखवा दिया, मतलब हमने वॉलमार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जब हम यूज कर ले उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पिगी बैगिंग। फिर आएगा काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड की अगर बात करें इसको चार तरीके का है, पढ़ा देता हूं काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में सबसे पहले तो आएगा जी आपका कौन सा? बार्टर। बार्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई मनी वैल्यूएशन नहीं होता। यहां पे वन टाइम एक ही टाइम पर डायरेक्ट और साइमल्टेनियसली एक्सचेंज भी होता है प्रोडक्ट का और ऑफ इक्वल वैल्यू एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन एक साथ होती है, एक ट्रांजेक्शन सेल की एक ट्रांजेक्शन परचेज की, इसको बोलते हैं बार्टर। और बार्टर में कोई भी आप मनी वैल्यूएशन नहीं करते। दूसरा आएगा काउंटर परचेज। काउंटर परचेज के अंदर मनी वैल्यूएशन करते हैं। काउंटर परचेज में हम क्या करते हैं, एक बार अपने सामान को क्या करेंगे? सेल करेंगे और प्रोमिस करेंगे कि हम फ्यूचर में दोबारा आपसे परचेज करेंगे किसी सामान को, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? काउंटर परचेज। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट सेल देन प्रोमिस टू मेक ए फ्यूचर परचेज, हम फ्यूचर में परचेज करेंगे और द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कंपनी। अब यहां पे दो डिफरेंट टाइम की ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन आज हो रही है और एक होगी कब? फ्यूचर में। इसके बाद आएगा जी आपका क्या? कंपनसेशन ट्रेड, या इसको बायबैक भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को जो है वो कुछ कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करेगी और उसके बदले में जो किराया मिलना था, जो सामान मिलना था, उसके बदले ये बोलेंगे इन कैपिटल गुड्स से आप जो सामान बनाएंगे वो सामान आप हमको प्रोवाइड कर देना। तो यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपनसेशन ट्रेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाइना की कोई कंपनी थी, उसने इंडिया वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके लिए यहाँ पे मेट्रो बना देंगे। अब इंडिया वाले बोले ठीक है तुम हमारे यहाँ मेट्रो बना दो और बदले में बताओ क्या लोगे, तो उन्होंने बोल दिया कि हम जाते हुए मेट्रो के दो डब्बे लेके जाएंगे। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? कंपनसेशन ट्रेड। और एक होता है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग में क्या है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक कंपनी जो है वो क्या करती है, सेल करती है अनदर को अपनी ओब्लिगेशन टू मेक ए परचेज इन ए गिवन कंट्री, ताकि वो दूसरे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे कोई सामान को परचेस करूंगा, लेकिन मीनवाइल मेरे को वो सामान चाहिए नहीं, अब आपसे तो परचेस करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, दूसरे पर्सन को बोल दिया कि क्या तुम्हें इसी क्वांटिटी का सामान चाहिए, वो बोला यस मुझे चाहिए, मैंने बोला एक काम करो मैंने उनसे प्रॉमिस करके जाओ तुम उनसे ले लो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्विच ट्रेडिंग। एक और मोड है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिकली जब आप सेल परचेस करते हो मान लीजिए तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ये सारे जो है वो ट्रेड रिलेटेड मोड है। ट्रेड रिलेटेड मोड के बाद में आएगा कौन सा? कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। जब आप अच्छे लेवल पे काम करना शुरू करते हो, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो सेकंड लेवल जो है वो है कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मोड, जिसमें आएगा सबसे पहले इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसके अंदर क्या होगा, दो कंपनी आपस में जो है वो क्या होंगी, मिलेंगी, और दो कंपनी मतलब अलग अलग देशों की दो कंपनी मिल करके अपनी अपनी कैपेबिलिटी को यूज करती है और एक नई कंपनी को ओपन अप करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप लोग इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक होगा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अगर अपने को ये लगता है कि बाहर से सामान बनवाना अपने लिए थोड़ा चीपर है, जैसे अगर मैं बात करूं एप्पल का फोन, अब मेरे पास में जो है वो आईफोन है, उसमें मैंने पीछे देखा वो लिखा मेड इन चाइना, वो है किसका? डिजाइन बाय द यूएस की कंपनी एप्पल, उसने डिजाइन किया, बट सामान जो बन रहा है वो कहां बना है? चाइना। तो यूएस ने और चाइना ने, यूएस की कंपनी एप्पल ने चाइना की किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर लिया और ये बोल दिया कि हम आपको डिजाइनिंग दे देंगे, आपसे हम सस्ता सामान बनवाएंगे क्योंकि आपके वहां पे जो है सामान चीपर रेट पर बन सकता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब एक कंपनी जो अपने मैनेजरियल स्किल के अंदर बहुत अच्छी है, वो दूसरी कंपनी, दूसरे देश की कंपनी को जो है अपनी मैनेजमेंट स्किल सिखाए, जैसे अपने इंडिया का ताज होटल जो है उसका जो ग्रुप है, ताज होटल के अंदर जो क्रू काम करता है, अगर वो विदेश में किसी होटल वालों को जो है वो मैनेजमेंट की स्किल सिखाए तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है टर्नकी। टर्नकी के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, उनको चाबी हम उनको बोलते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, फिर वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, हमारी साइट को बनाएंगे और उसके बाद उसकी चाबी हमको सौंप के चले जाएंगे, उसको बोलते हैं क्या? टर्नकी। टर्नकी तीन तरीके का है। एक है बीटी। बीटी मतलब बिल्ड एंड ट्रांसफर। बाहर वाले हमारे लिए हमारी कंट्री में आकर के काम करेंगे और वो सामान बना के और हमको
ट्रांसफर करके चल जाएंगे। जैसे मान लो हमने उनको बोला कि आप एक काम करो, हमारे लिए यहाँ पे कोई सामान जैसे मकान बना के दे दो, तो बारोल ने हमारे मकान बना के दे के चले गए, उसको बोलते हैं क्या बीटी। एक होता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। जैसे चाइना की एक कंपनी है, उसने इंडिया के अंदर आकर के दिल्ली के अंदर मेट्रो बनाई, मेट्रो बनाने के बाद में उसने क्या किया, पहले बनाई बिल्ड करी, फिर कुछ समय खुद ही चलाई, एक साल तक उन्होंने चलाया उसको ताकि हम देख सके इसमें कोई खामी तो नहीं है, और जब लगा सब कुछ ओके इंडिया वालों को सब सिखा दिया, उसके बाद फिर वो देकर चले गए, ट्रांसफर करके चले गए, उसको बोलते हैं बीओटी। और एक होता है बीओओ, जैसे आपने देखा होगा अक्सर टोल आपने देखा होगा, ये टोल का सिस्टम जो है वो क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उनको ठेका देती है कि आप एक काम करो, जैसे मान लो दिल्ली से लेके और हिसार तक का एक रोड बना दो, हाईवे बना दो, इस हाईवे की जो कॉस्ट आनी है मान लो वो आनी है 100 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको दे देंगे 30 करोड़, बाकी रहेगी कितने 70, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोला जाता है कि आप एक काम करो ये 70 करोड़ रुपए जो है आप इसकी वसूली करना टोल लगाकर, तो इसको बोलते हैं बीओओ, बिल्ड किया फिर ऑपरेट करा और फिर क्या कर लिया, ओन कर लिया, जब तक वो पैसा मेरे को रिकवर नहीं हो जाएगा तब तक हम वहां पे टोल लगाएंगे, जिस दिन ये 70 करोड़ का रिकवरी हो जाएगा उस दिन हम वहां से टोल को हटा देंगे और रोड जो है बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं टर्न की। फिर आएगा जी इंटरनेशनल लीजिंग, अगर आपके पास कोई भी जो है वो क्या है कैपिटल गुड्स है, अगर आप अपने कैपिटल गुड्स को जो है मूवेबल गुड्स से मान लीजिए, या तो अगर आप उसको जो है वो दूसरे नेशन के लोगों को क्या करते हो यूज करने के लिए देते हो और बदले में क्या लेते हो, लीज रेंट लेते हो, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लीजिंग। मतलब यही अपने सामान को किराए पर दे देना, अगर ये किराएदार जो ये है मान लीजिए जो सिस्टम हुआ, अगर ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके कर रहे हो तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लीजिंग। फिर होगा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग की अगर बात करेंगे इसके अंदर एक कंपनी होगी वो अपने इनटेंजिबल एसेट्स को जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उसको दूसरी कंपनी को देगी, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। ठीक है, अब लाइसेंसिंग के अंदर बेसिकली जो है वो क्या किया जाएगा, लाइसेंसिंग दो तरीके का होगा, एक होगा ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग और एक होगा प्रोसेस। प्रोसेस लाइसेंसिंग में तो ओनली क्या दिया जाएगा, फॉर्मूला दिया जाएगा, और ट्रेडमार्क के अंदर फॉर्मूला तो दिया जाएगा और साथ में एक चीज और दी जाएगी, वो क्या, अपना ब्रांड नेम भी। लाइसेंसिंग के अलावा एक नई चीज और है जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जो है वो पार्ट है लाइसेंसिंग का। फ्रेंचाइजी के अंदर फॉर्मूला भी दिया जाता है, प्लस में ट्रेड नेम भी दिया जाता है, प्लस में हाउ टू ऑपरेट, कैसे काम करना है, ये इंस्ट्रक्शन भी उनके द्वारा अगर दी जाए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया। अब डोमिनोज के अंदर अगर आपने नोटिस किया तो देखिए आप किसी भी पूरे इंडिया के अंदर किसी भी डोमिनोज के आउटलेट पर चले जाइए, वहां पे आपको सिस्टम एक ही जैसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएस से जो है या फिर मान लो जो उसकी मेन पेरेंट कंपनी है वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने अपने नेशन के अंदर काम कैसे करना है। तो वहां पे देखो आपको फॉर्मूला दिया बेसिकली जो पिज्जा है वो कैसे बनाना है, प्लस में उन्होंने अपना नाम भी दिया कि आप अपनी दुकान के बाद डोमिनोज लिख सकते हो, प्लस में उन्होंने ही बताया कि आपको अपना बिजनेस ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करना है, उसको बोलते हैं क्या, फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी का स्पेशल फॉर्म है किसका, लाइसेंसिंग का। इसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट मोड। जब आपको लगता है कि जो फॉरेन है वो हमारे लिए बहुत ही कारगर है, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो अब आप जो है एक नेक्स्ट मोड पे चले जाते हो जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले ओवरसीज असेंबली मिक्सिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, विदेश में एक साइट ले लेंगे, अपने यहां से हम जो है वो क्या करेंगे, कंपोनेंट को लेके जाएंगे और वहां पे जाके जो है हम क्या कर देंगे, उसका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसको बोलते हैं ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। एक तरीका हो रहा है जॉइंट वेंचर का, अगर हमको खुद से थोड़ा डर लग रहा है कि अकेले जाकर खुद से बिजनेस सेटअप करने के बजाय हम क्या करते हैं, विदेश वालों को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, विदेश की किसी कंपनी से टाई अप कर लिया कि आओ मिल करके काम करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर तीन तरीके का होता है। एक होता है मेजॉरिटी, जिसमें आपका 50% ज्यादा स्टेक होगा, एक होगा इक्वल 50-50, और एक होगा कौन सा, माइनॉरिटी, जिसमें आपका स्टेक 50 से कम रहेगा। एक होता है होली ओन, जब आपको ये लगता है कि कोई चक्कर नहीं है, आप विदेश में जाकर आराम से काम कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, तो आप होली ओन सब्सिडियरी भी अपनी वहां पे ओपन कर सकते हो। जब आप विदेश में जाके काम करोगे तो वहां पे आपके जो ऑपरेशन है वो दो तरह के होंगे, एक होगा ग्रीन फील्ड ऑपरेशन, एक होगा कौन सा, ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में क्या होता है, जब आप विदेश में जाके कोई काम कर रहे हो नए सिरे से कर रहे हो, दोबारा ध्यान से सुनना, विदेश में जाके काम करना नए सिरे से करना और अकेले करना, दैट इज द ग्रीन फील्ड। वर्जिन साइट है, बिल्कुल एकदम न्यू है, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, ग्रीन फील्ड। एक होता है ब्राउन फील्ड, जब आप विदेश में जाके काम करोगे, काम तो आपका नया है लेकिन किसी के साथ में मिल करके करोगे, दैट इज द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशों के अंदर जाके या विदेशों से अगर मान लो कोई कैपिटल इंडिया में आती है तो वो कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। अगर बाहर से जो पैसा इंडिया के अंदर आया, इंडिया की किसी कंपनी में पैसा आया, अगर वो आया उसकी कैपिटल के 10% या उससे ज्यादा, तो उसको बोलेंगे एफडीआई। तो एफडीआई कंडीशन जो है वो क्या, 10% और मोर, अगर मान लो विदेश वालों ने इंडिया की कोई कंपनी है, टाटा कंपनी, उसके अंदर कोई पैसा लगाया, कितना लगाया, 10% या उससे ज्यादा लगाया, तो उस कैपिटल को बोलेंगे हम लोग क्या, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई का जो मेन
हम बोल सकते हैं एफडीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है कंट्रोल लेना, और दूसरा होता है एफपीआई। अगर 10% से कम है तो उस इन्वेस्टमेंट को बोल देंगे हम लोग क्या, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मेन पर्पस, एफडीआई का मेन पर्पस क्या, कंट्रोल। एफपीआई का मेन पर्पस जो है वो क्या, प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई की टाइप, सबसे पहला इनवर्ड आउटवर्ड। अगर बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है इनवर्ड, अगर इंडिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है तो आउटवर्ड। फिर है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में अगर इंडिया की कोई कंपनी बाहर की किसी कंपनी में पैसा लगाती है और वो कैसे है, सेम फील्ड के अंदर पैसा लगा रही है। इंडिया की कार बनाने वाली कंपनी विदेश की कार बनाने वाली कंपनी में पैसा लगाए, हॉरिजॉन्टल। इंडिया की कार बनाने वाली कंपनी विदेश की किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाए तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके तीन तरह की है, एक है फॉरवर्ड, एक है वर्टिकल और एक है एक है बैकवर्ड वर्टिकल, एक है फॉरवर्ड। अगर इंडिया की कोई कंपनी जो है वो विदेश की किसी कंपनी में पैसा लगा रही है, वो विदेश की कंपनी कौन सी है जो उसको मटेरियल प्रोवाइड करेगी, तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड वर्टिकल। अगर इंडिया की कोई कंपनी विदेश की किसी कंपनी में पैसा लगा रही है, कौन सी, उस कंपनी में जो सामान को बेचने का काम करेगी उसको बोलेंगे क्या, फॉरवर्ड वर्टिकल। और एक है कॉन्ग्लोमरेट। जब इंडिया की कोई कंपनी जो है वो विदेश की किसी कंपनी में पैसा लगा रही है और वो कंपनी कैसी है, अनरिलेटेड है, मतलब इंडिया की गाड़ी बनाने वाली कंपनी विदेश के अंदर कोक बनाने वाली कंपनी में पैसा लगा रही है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में पैसा लगा रही है, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, कॉन्ग्लोमरेट। फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के नाम पर सबसे पहला रिसोर्स सीकिंग। अगर आप विदेश में पैसा लगा रहे हो इसलिए लगा रहे हो क्योंकि वहां से आपको चीपर रिसोर्स मिलेंगे, तो आपका जो एफडीआई वो क्या मानेंगे, रिसोर्स सीकिंग। फिर है मार्केट सीकिंग। अगर आप विदेश में पैसा लगा रहे हो और कैसे लगा रहे हो, इस तरीके से लगा रहे हो ताकि वहां के मार्केट को कैप्चर कर पाओ, तो उसको बोलेंगे मार्केट सीकिंग। फिर है एफिशिएंसी सीकिंग। अगर आप विदेश के अंदर पैसा लगा रहे हो क्या करने के लिए, वहां से कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को लेने के लिए, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, एफिशिएंसी सीकिंग। फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्री मोड। मोड के बेस पर ग्रीनफील्ड मर्जर एक्विजिशन, ये आपको मैंने बता दिया। फिर अब आएगा जी आपका सेक्टर के बेस पर। पहली बात यह, अपने इंडिया में एफडीआई को प्रमोट करने के लिए जो है वो डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डीपीआईआईटी। ओरिजिनली जो है इसको बनाया था 1995 के अंदर, उसका नाम जो है उस टाइम पे था डीपीआईटी, और बाद में इसका नाम को जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आज जो नाम है वो क्या, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट मेजर टू ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कीपिंग इन व्यू द नेशनल प्रायोरिटी एंड द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कंट्री के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके फ्लो को बढ़ाने के लिए जो है वो ये डिपार्टमेंट काम करता है, मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद है जी आपका, अब यहां पे बता रखा है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक कंडीशन बता रही है। देखो, बाहर से जब भी कोई पैसा इंडिया के अंदर आएगा, जो एफडीआई आएगा, वो दो तरीके की है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है आपका कौन सा, मतलब देखो अगर एफडीआई इंडिया के अंदर आएगा तो या तो होगा परमिटेड या होगा प्रोहिबिटेड। अगर प्रोहिबिटेड है तो ये तो आ ही सकता, परमिटेड है तो फिर दो रूट है, या तो होगा ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक मतलब परमिशन लेने की गवर्नमेंट से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या होगा आपका यहां पे कौन सा परमिटेड रूट। एक तो होता है कौन सा, परमिटेड ऑटोमेटिक, और एक है गवर्नमेंट अप्रूवल वाला परमिटेड रूट, मतलब एक तो परमिटेड के अंदर ऑटोमेटिक हो गया और एक कौन सा, गवर्नमेंट रूट से। ठीक है, अगर मान लो बाहर से कोई पैसा आया, अगर वो प्रोहिबिटेड है तो मतलब वो पैसा कभी भी आई, मतलब अगर मान ले बाहर से जो कोई पैसा जो है वो किसी ऐसे बिजनेस में आया जिसको गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड सेक्टर में डाल दिया, तो उसको अब बाहर वाला उस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कभी कर नहीं सकता, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, प्रोहिबिटेड सेक्टर। तो इंडिया के ये सब सेक्टर जो है प्रोहिबिटेड, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा, लॉटरी बिजनेस, बाहर वाला पर्सन इंडिया में कोई लॉटरी बिजनेस में काम नहीं कर सकता, गैम्बलिंग बैटिंग में काम नहीं कर सकता, चिट फंड कंपनी में काम नहीं कर सकता, निजी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, टीडीआर राइट्स के अंदर पैसा लगा सकता, रियल एस्टेट में काम नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग और सिगार, ये जो भी गंदे गंदे काम है ना, ये देखो ये सारे के सारे गैम्बलिंग, लॉटरी, चिट फंड, निधि कंपनी है, रियल एस्टेट वाला, ये सब गुंडे वाले काम है। तो इनके अंदर हमने बोल दिया विदेशी वाले को कि फिरंगी तू इन कामों के अंदर अपना पैसा मत लगाइए। फिर आएगा परमिटेड। परमिटेड के अंदर जो है वो पैसा, ये सब सेक्टर इनमें पैसा लगा सकता है, लेकिन यहां पे 100% एफडीआई, मतलब 100% एफडीआई लगाएंगे अंडर द ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब जिसके लिए आपको प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, परमिटेड रूट। ठीक है, अब ये कौन कौन से, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब वो रूट है जिसके अंदर विदेशी बंदा जो है वो इंडिया के अंदर आके पैसा लगा सकता है, उसको गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आएगा जी आपके फिर नेक्स्ट कौन सा,
कुछ सेक्टर जो गवर्नमेंट जिसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे बता रखे जैसे माइनिंग हो गया, इसके लिए 100% पैसा लगा सकते लेकिन गवर्नमेंट रूट कितना चाहिए 100% आपको जो है गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। तो ये सब वो सेक्टर हैं जिनके लिए अंदर आप पैसा लगा सकते हो। तो यहां पे उनका कैप दे रखा है, कैप का मतलब मैक्सिमम इतना पैसा लगा सकते हो। और फिर कितने कितने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, जैसे डिफेंस की बात करूं, डिफेंस में विदेशी बंदा 100% पैसा लगा सकता है लेकिन 49% तक तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो उससे ऊपर जाएगा तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे आपका ये हो गया बैंकिंग वाला, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% तक पैसा लगा सकते हो, 49 तक आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, 49 से ऊपर अगर जाओगे तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा बट मैक्सिमम 74। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे मान लो SBI में या PNB में अगर पैसा लगाना है लगा सकते हो, विदेशी बंदा लगा सकता है पैसा, 20% तक ही लगा सकता है और उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। तो ये सब आपको देखे आपको क्रेमिंग करना पड़ेगा। इसके बाद अलग अलग मोड आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब तो वही ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी का मतलब वर्जिन साइट, मतलब नए सिरे से काम करना। ठीक है ना, मर्जर एक्विजिशन मिलके काम करना। अब FDI का कोस्ट एंड बेनिफिट की बात करनी है, मतलब बाहर से अगर कोई फायदा आएगा, बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो लगाने वाले को और जिस कंट्री में आ रही है उस कंट्री को क्या क्या फायदा। तो सबसे पहले बात करें बेनिफिट होता है होम कंट्री, होम कंट्री का अंदर मतलब है जो FDI लगा रहा है, जैसे मैं विदेश में पैसा लगा रहा हूं तो मैं मेरे को उससे क्या फायदा। सबसे पहला फायदा है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो का, अगर मैं विदेश में पैसा लगाऊंगा तो वहां से मैं कुछ कमाई करूंगा, वो कमाई मेरे कंट्री में आएगी, पहला फायदा। दूसरा, अगर मान लीजिए इससे मेरी मशीन, अगर मैं विदेश में जाकर काम करूंगा तो मैं मेरे यहां से मशीनें बाहर लेके जाऊंगा तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा मशीनों का। तीसरा, मेरी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चौथा, फर्म एंड अदर होम कंट्री फर्म आर लर्न स्किल फ्रॉम इट्स एक्सपोजर टू द होस्ट कंट्री, जब मैं विदेश में जाके काम करूंगा तो वहां के लोगों से सीख भी सकता हूं। मुझे नुकसान जो है वो क्या क्या होगा, सबसे पहला नुकसान जो है वो क्या कि मेरी इंडस्ट्री और मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टेक पे आ जाएगा। When the firm enter the foreign market due to the low cost labor, ठीक है। दूसरा जो है मेरा FDI जो है वो भी मेरा उस मतलब उसका नुकसान हो सकता है क्योंकि मैं export कर सकता था सामान को लेकिन मैं अपना सामान ही वहां बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक मेरा नुकसान हो सकता है। अब आएगा जी आपको बेनिफिट टू द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री जिस कंट्री में FDI आ रही है उसको फायदा क्या। सबसे पहले रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट होगा, द रिसोर्स विच आर स्कार्स इन द होस्ट कंट्री आर ट्रांसफर फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, वो फॉरेन कंट्री से आ जाएंगे। एक तो ये फायदा हो गया मुझे कि मेरे को जो है बाहर से जो है वो यहां से बड़ी बड़ी मशीनें मेरी कंट्री में आ जाएंगी। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, जब बाहर वाला बंदा मेरे यहां पे आके जो है वो क्या करेगा, काम करेगा, तो मुझे फायदा जो है वो क्या होगा कि मेरे यहां पे जब वो काम करेगा तो मेरे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, जब वो यहां पे आके काम करेगा तो अपनी कैपिटल ले जाएगा जिससे मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे नुकसान जो है वो क्या, सबसे पहला कंपटीशन, जब बाहर वाला बंदा मेरे यहां पे आके काम करेगा तो मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट, वो क्या, जब बाहर वाला बंदा मेरे कंट्री में आके काम करेगा तो यहां से वो कमाई करेगा, कमाई को अपने कंट्री में लेके जाएगा, तो जब वो रिपेट्रिएशन करेगा तो मेरा BOP नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, MNC इन द होस्ट कंट्री इंपोर्ट करेगी गुड्स फ्रॉम किससे, सब्सिडरी से, फ्रॉम अदर कंट्री, दिस इंपोर्ट रिजल्ट इन द डेबिट ऑफ द करंट अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। अब हम बाहर से जब क्या करेंगे, सामान को इंपोर्ट करेंगे तो मेरे को नुकसान है क्योंकि मेरा BOP नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा, मेरी जो नेशनल सोवरनिटी है, क्योंकि बाहर वाला बंदा जब मेरी कंट्री में आके काम करेगा तो नेचुरल बात है वो अपनी कुछ बातें चलाएगा, तो मेरी जो सोवरनिटी है उसके ऊपर भी उसका बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। ये सब जो है वो क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट है। इसके बाद है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है ये कि किस मोड को यूज करना चाहिए। अगर कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और टैरिफ जो है वो क्या है, लो है, मतलब सामान को यहां से दूसरे नेशन में भेजना अगर चीपर है तो आप एक्सपोर्ट पे जाओ। दूसरा, अगर ज्यादा है तो फिर आप ये देखो कि क्या उनको लाइसेंस देना सही है। अगर लाइसेंस देना उनको जो है वो सही नहीं है, मतलब यह है कि अगर मैं उनको लाइसेंस दूंगा वो कॉपी कर लेंगे, तो फिर आप FDI करो। अगर आपको लगता है कि लाइसेंस अगर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर आप ये देखो कि क्या टाइट कंट्रोल आपको बनाना जरूरी है। अगर टाइट कंट्रोल बनाना जरूरी है तो फिर आप FDI में जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइसेंस दे दिया और टाइट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप जो है वो ये देखो कि क्या आपका लाइसेंस प्रोटेक्ट हो सकता है, मतलब क्या वहां पे IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कोई कानून है। अगर है कानून तो लाइसेंसिंग दो, नहीं तो FDI दो। सबसे अच्छा मोड, जो शुरुआती मोड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो सर, जो सबसे शुरुआती मोड होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोर्टिंग। मतलब कोई कंट्री जब फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए वो इंटरनेशनल बिजनेस से डील करती है तो उसके लिए प्रेफरेबल ये कि वो क्या करे, एक्सपोर्ट के ऊपर काम करे। ओके, शुरुआत में एक्सपोर्ट करे, जब बहुत अच्छा काम चल रहा है उसका फिर वो सोच सकती है FDI के लिए। लास्ट FDI होता है, तो पहला एक्सपोर्ट और आखिरी FDI। ओके जी सर, लो जी ये हो गया हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।
अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू की अगर बात करूंगा तो ये बात करता है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। अगर इसकी बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, तो इसके अंदर टोटल मिला के आपके पास में जो है वो 11 थ्योरी है और एक जो है वो इसका पैराडॉक्स है, लियोनटिफ पैराडॉक्स जो है जिसको हम बोलते हैं, वो से लियोनटिफ ने दिया था। तो 11 थ्योरी अपने को करना पड़ेगा, एक पैराडॉक्स, टोटल मिला के 12 कंपोनेंट है जो इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म जो है वो ये बोलता है कि हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करेंगे, हम इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब हमारा यहां पे जो फोकस रहेगा वो क्या है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इंपोर्ट्स को क्या करना, कम करना, या इंपोर्ट को जीरो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसा करके हम ट्रेड सरप्लस कमाना चाहते हैं। बोले तो ट्रेड सरप्लस जो बेसिकली क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ द एक्सपोर्ट ओवर द इंपोर्ट, और हम यहां पे इंपोर्ट को जीरो करना चाहते हैं और ट्रेड सरप्लस करके हम हमारे यहां पे मेटल करेंसी, जो हमारी मेटल करेंसी है लाइक गोल्ड या सिल्वर जो उस टाइम पे चलते थे, उनके रिजर्व्स को हम लोग क्या करना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते। तो इंटरनेशनल ट्रेड शुरुआती दौर में हुआ। अब पहली बात तो ये कि थ्योरी क्या होती है, ठीक है, मर्केंटलिज्म तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले जो है वो थ्योरी क्यों करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। इंटरनेशनल ट्रेड बिकम पॉसिबल, इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल होता है अगर क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है दो कंट्रीज का, डिफरेंट इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्री कैन बेनिफिट बोथ द कंट्री इफ ईच कंट्री एक्सपोर्ट द गुड्स इन विच इट हैज ए कंपेरेटिव एडवांटेज। मतलब पहली बात तो ये इंटरनेशनल ट्रेड तभी होगा अगर म्यूचुअल बेनिफिट होगा, एक को फायदा और एक को नुकसान है, तो इंटरनेशनल ट्रेड कभी नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबली तभी होगा जब दोनों कंपनीज को, दोनों कंट्रीज को जो है वो क्या होगा, फायदा होगा। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बेसिकली तब किया जाता है जब आपको एक प्रोडक्ट में एडवांटेज है, आप उस सामान को बना के बाहर बेचते हो और जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है उस सामान को आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। लेकिन सबसे पहले जब आई थी थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, ये बोलता था कि हम लोग सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, हम इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे हमारे मेटल करेंसी के रिजर्व को बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि यहां पे किसी भी नेशन की वेल्थ जो है वो नापी जाती थी किससे, मालूम, नापी जाती थी उसके पास कितना गोल्ड पड़ा है, ठीक है, कितने उसके पास में क्या पड़े हैं, रिजर्व पड़े हैं। इसीलिए हर कंट्री ये चाहता था कि मेरी वेल्थ ज्यादा हो, मतलब मेरे पास में जो रिजर्व है वो क्या रहे, ज्यादा रहे, और उसके लिए वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता था, इंपोर्ट को डिस्करेज करता था। और ऐसा करते हुए हम लोग करते थे जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब देखो, यहां पर तीन आते हैं जब हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वहां पर तीन सिचुएशन आई होती है, एक होता जीरो सम गेम, एक होता पॉजिटिव और एक होता कौन सा नेगेटिव। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है, जिसमें एक का फायदा जितना होता है दूसरे का उतना ही नुकसान होता है। मतलब अगर मान लो आपको 100 रुपए का मुनाफा हुआ तो मुझे 100 रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। अल्टीमेटली आपको 100 का मुनाफा, मुझे 100 का नुकसान, अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। इसका मतलब ये है, जैसे हम शर्त की बात करते हैं तो शर्त के अंदर क्या होता है, एक को जितना फायदा होता है दूसरे को उतना नुकसान। जैसे मान लीजिए आपने, मैंने शर्त लगाई, आप बोलेगी आज बारिश आएगी, मैं बोला नहीं आएगी, आप बोले शर्त लगा लो, मैंने कहा लगा लो, और शर्त के अंदर बारिश आ गई, आ गई तो आप जीत गए, मैं हार गया। 100 रुपए मैंने आपको पे किए, आपने 100 रुपए कमाए, अब 100 का वो आपको बेनिफिट मिल गया, मुझे 100 का नुकसान हो गया, तो एक्चुअल में टोटल समझो निकल गया वो क्या है, जीरो है। इसको बोलते हैं जीरो सम गेम, गेम थ्योरी के अंदर। एक होता है पॉजिटिव सम। पॉजिटिव सम का मतलब क्या है, जब दो कंट्रीज आपस में डील करती हैं और दोनों कंट्रीज को ट्रेड करके जो है वो क्या हो, फायदा हो रहा है। मतलब एक को जितना फायदा हो रहा है दूसरे को जो नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरे का तो नुकसान कम है या पहले वाले का फायदा ज्यादा है, उसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव सम। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सामान बेचा, वो सामान से मुझे फायदा हुआ कितने का, 100 रुपए का, लेकिन आपको जो नुकसान हुआ वो सिर्फ 80 रुपए का नुकसान हुआ, एग्जांपल के तौर पे, तो अल्टीमेटली जो है वो क्या हुआ, +20 का फायदा हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और एक होता है कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब दो कंट्रीज आपस में डील कर रही है और दोनों कंट्रीज को, मतलब अल्टीमेटली जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव आया, मेरे को 100 का फायदा हुआ लेकिन आपको 110 का नुकसान हो गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमको जो है वो 10 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव सम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली थ्योरी आई जो बोलती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ये बोलता है कि सिर्फ एक्सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन द क्वेश्चन इज क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। तो वहां पे एडम स्मिथ ने बोला, जिस प्रोडक्ट के अंदर आपकी क्या है, एडवांटेज है, उस सामान को तो बना बना के आप एक्सपोर्ट करो, जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है उस सामान को क्या करो, इंपोर्ट करो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने एक बुक छापी थी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इस बुक के अंदर उन्होंने ये बोला था, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब बताया था, इट रेफर्ड टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस द गुड्स मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। अच्छा और सस्ता हम बनाते हैं अगर दूसरे नेशन से, तो उस गुड्स के अंदर हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज। करना क्या चाहिए, जिसके अंदर आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है उस सामान को बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, बाकी को इंपोर्ट करना चाहिए, बात खत्म हो गया। लिखा भी है, जिस
जिसमें एडवांटेज है उसे प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें डिसएडवांटेज उसको इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद में थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये थ्योरी जो है वो ये दिया था किसने, डेविड डिकार्डो ने। ये बोलता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एडवांटेज नहीं है, तो हम क्या करें, तो क्या इसका मतलब हम काम करना बंद कर दें, मैं क्या करूं, मर जाऊं, मतलब वो कंट्री है तो बोल रही है कि मैं क्या करूं, मर जाऊं मैं। तो ये बोलता है कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आपके लिए हम एक नई थ्योरी दे रहे हैं। तो डेविड रिकार्डो ने 1817 के अंदर जो है एक नई थ्योरी दी, उसका नाम था कंपैरेटिव एडवांटेज। ये बोलता है जब आपके दोनों ही प्रोडक्ट में डिसएडवांटेज हो तो आप दूसरों से तो कंपेयर करना बंद करो, आप खुद से कंपेयर करें, और खुद से कंपेयर करते में करने में जिसमें डिसएडवांटेज, जिसमें नुकसान कम हो रहा है, उस सामान को बना बना के क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और बाकियों को इंपोर्ट करना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज इज द इनएबिलिटी, मतलब एक कंट्री इनेबल है कि वो दूसरे से अच्छा सामान नहीं बना सकती, बट इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस दैट गुड्स मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू द अदर गुड। तो मतलब ये हो गया, जिस प्रोडक्ट में कम डिसएडवांटेज है उसे प्रोड्यूस करेंगे, और उसमें जिसमें डिसएडवांटेज ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद आया फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, ये बोलता है कि भाई किस फैक्टर को हम लोग जो है यूज करें, जिसके अंदर जो आपके पास अबंडेंट अमाउंट के अंदर जो अवेलेबल है, उन फैक्टर को जो है वो आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, और उनको मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहिए, और जिस फैक्टर के आपको जो है स्कार्सिटी है उसको जो है वो क्या करना चाहिए, आपको इंपोर्ट, मतलब उन सामानों को इंपोर्ट करना चाहिए। तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो ये बोलता है कि जो आपके पास अबंडेंट रिसोर्स पड़े हैं उन फैक्टर्स को आपको जो है वो क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करके, मतलब उन फैक्टर्स को यूज करके आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, और जो फैक्टर आपके जो है जिन फैक्टर की स्कार्सिटी है उन फैक्टर से बनने वाले सामान को इंपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद ये इस थ्योरी को बोलते हैं 2x2x2 मॉडल, टू कंट्री टू कमोडिटी, और दो ही फैक्टर प्रोडक्शन है, एक है लेबर और एक है कैपिटल। तो यहां पे जो है वो क्या बोलते हैं, जो फैक्टर अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है उसे प्रोडक्शन में यूज करेंगे, और जिस फैक्टर की स्कार्सिटी है उसको उससे बनने वाले प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। अगला है लियोंटीफ पैराडॉक्स, ये बोलते हैं कि क्या एक्चुअल के अंदर कंट्री जो है वो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को यूज भी कर रही है नहीं कर रही है। तो इसने यूएस की स्टडी करी और वहां पर इसने ये पाया कि यूएस से जो कि एक क्या है कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी थी, यूएसए जो कि कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी थी, मतलब वहां पे कैपिटल ज्यादा थी, वो कर क्या रहा था 1950s के दौरान, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का तो प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर रहा था और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट कर रहा था। तो वहां पे मतलब अपोजिट काम कर रहा था, वैसे यूएसए जो कि कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी उसको करना क्या चाहिए, उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव का इंपोर्ट करना चाहिए, बट वो कर उल्टा रहा था। तो वहां पे एक पैराडॉक्स राइज हुआ जिसको बोलते हैं लियोंटीफ पैराडॉक्स। इसके बाद में है न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन, ये थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि देखिए अबंडेंसी, मतलब कोई फैक्टर आपके पास अबंडेंट अमाउंट में या किस किस स्कार्सिटी है, ये डिसाइड नहीं करता कि आपको कौन सा सामान बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। वहां पे एक तीसरी चीज और आएगी, दैट इज अ क्वालिटी, जो फैक्टर आपके पास अवेलेबल है वो क्वालिटी नेचर का भी है या नहीं है। तो यहां पे जो है वो क्या आएगा, 2x2x2+1, दो कंट्री दो कॉमोडिटी और 2+1, दो फैक्टर प्रोडक्शन और एक फैक्टर और आ जाएगा जिसको बोलेंगे क्या, क्वालिटी। तो ये बोलते हैं अबंडेंट अमाउंट के अंदर होना ऐसा जरूरी नहीं है, साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो और होनी चाहिए, वो क्या है, क्वालिटी। इसके बाद आया जी स्टेफन बी लिंडर की अगर हम बात करेंगे तो इसने अपना एक थ्योरी दिया, ठीक है, जिसका नाम था कंट्री सिमिलरिटी। तो ये बोलता है किस नेशंस का ट्रेड आपस में जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बोलते हैं कि जिस नेशन का डिमांड पैटर्न जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। द मोर सिमिलर द डिमांड पैटर्न बिटवीन टू कंट्री, उतना ही उनका आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली जो आइटम्स है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो उनका आपस में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये बोलते हैं द मोर सिमिलर, जितना सिमिलर होगा द डिमांड स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंट्री, द मोर इंटेंसिव पोटेंशियली इज अ ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्री। तो इसको बोलते हैं कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, जो दिया था किसने, स्टेफन बी लिंडर ने। ये थ्योरी मैन्युफैक्चर गुड्स पर एप्लीकेबल है, नेचुरल प्रोडक्ट पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट तो आप को चाहे फर्टीचर देश के पास अगर नेचुरल रिसोर्स है तो उनसे भी आपको मंगाने पड़ेंगे। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ये जो है वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जितना दो कंट्री का डिमांड पैटर्न जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, उतना उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाली आइटम जो है वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, और उतना उनका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद अगली थ्योरी था न्यू ट्रेड थ्योरी, ये दिया था पॉल क्रूगमैन ने, इसका नाम था क्या, ये बोलते हैं कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डील करना शुरू करेंगे तो आपको जो है वो फायदा क्या होगा, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में डील करते हो तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आप काम सिर्फ अपने नेशन के लिए ना करके बाहर वालों के लिए भी करते हो। तो उसके लिए आएगा न्यू ट्रेड थ्योरी। इसके बाद है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वर्नन रेमंड ने थ्योरी दिया। इसके दो एस्पेक्ट थे, एक तो ये था कि एक्सपोर्टर भी कम था इंपोर्टर, और दूसरा जो है वो है कंट्री शिफ्टिंग का। तो एक्सपोर्टर भी कम इंपोर्टर जो है वो क्या बोलते हैं कि जब कोई डेवलप्ड कंट्री, ध्यान से सुनना, जब कोई डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्या करती है, एक मिनट रुकिए,
इंपोर्टर बिकम एक्सपोर्टर के अंदर, हाँ ये देखो इनोवेशन जो है वो कहां पे होती है, डेवलप कंट्री में होती है। लेकिन डेवलप कंट्री जो है उसको कुछ समय तक ही सामान को बनाती है, उसके बाद में वो सामान की कॉपी होनी शुरू होती है कहां पे, अंडर डेवलपिंग कंट्री में, और वो उसको सस्ता बना देते हैं बल्कि, ठीक है। जैसे यूएस के अंदर जो है वो सामान बना, मान लीजिए कोई मोबाइल बना, और उसकी जब वो मोबाइल बना और अलग अलग पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला, तो चाइना वालों ने उसकी कॉपी मारी और उन्होंने उससे सस्ता सामान उसको बनाना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यूएसए खुद उस सामान को बनाना क्या कर देगा, बंद कर देगा, और चाइना से उस सामान को इंपोर्ट करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और खुद एक नया सामान बनाना क्या करेगा, शुरू करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोर्टर बिकम द इंपोर्टर। स्टार्टिंग इन द इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, देखो फर्म इनोवेट करती है नए नए प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन द नीड एंड द प्रॉब्लम ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। फिर ग्रोथ के टाइम पे फर्म जो है वो क्या करेगी, कंप्यूटर इसमें अट्रैक्ट होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैच्योरिटी के ऊपर जो है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा, एक प्रॉमिस मिलेगी, और शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग टू द डेवलपिंग कंट्री, और जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, डिक्लाइनिंग के अंदर जो है वो क्या करेंगे, आप उस सामान को पूरी तरह से बनाना बंद कर देंगे और आप नए सामान के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। तो यहां पे बोलते हैं एक्सपोर्टर जो है वो क्या बन जाएगा, इंपोर्टर। मतलब यूएस से जो कभी सामान आईफोन को बना बना के एक्सपोर्ट करता था, और अब वो चाइना से जो उस सामान को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। दूसरा है मार्केट शिफ्टिंग। मार्केट शिफ्टिंग ये बोलता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में होते हो, इंटरनेशनल बिजनेस जब आप कर रहे होते हो, तो आप सामान सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बेच रहे हो, पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हो, ठीक है। अब आपके नेशन के अंदर अगर मान लीजिए डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही है, मान लीजिए रिसेशन आ गया, बट फॉरेन के अंदर तो बूम है, तो आप वहां पे जाके अपने सामान को बेच सकते हो। तो यहां पे बोलते हैं कि आप अपनी मार्केट को बाहर शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे मतलब अगर आपका सामान जो है वो क्या हो गया, आपके यहां पे जो है वो सामान, जैसे मान लो पार्ले जी बिस्कुट है, पहले बहुत चलता था, अब नहीं चल रहा, ठीक है। अब लेकिन पार्ले जी क्योंकि इंडिया के लिए पुराना हो गया, अब इंडिया में और गुड डे और ये सनफिस्ट बहुत सारे और चीजें आ गई हैं, पार्ले जी इतना नहीं चल रहा, तो पार्ले जी वाला आप क्या कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में डील कर रहा है, तो पार्ले जी वाला आप क्या कर सकते हैं, इंडिया से अपना पैटर्न यहां से हटाएगा और जाके नेपाल के अंदर चला जाएगा। अब क्या नेपाल में वो पुराना है क्या, नहीं, नेपाल में तो वो नया है, तो वहां पर जाके वो क्या करेगा, अपनी मार्केट को शिफ्ट कर लेगा और अब उधर जाके काम करना शुरू कर देगा। तो जब कभी कोई कंपनी डिक्लाइनिंग फेज को फेस करेगी, तो वो कंपनी जो है वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर जाएगी, या मार्केट का शिफ्टिंग। तो मैंने लिखा व्हेन फर्म फेस डिक्लाइनिंग स्टेज, तो वो दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करेगी और मार्केट को क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। इसके बाद अगली है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये थ्योरी जो ये दिया था आपके किसने, माइकल पोर्टर ने, और माइकल पोर्टर ने ये थ्योरी जो दिया उसके अंदर उसने ये बताया कि ये चार फैक्टर हैं, ठीक है, अगर ये आपके होम एनवायरनमेंट के, अगर ये फैक्टर आपके फेवर में होंगे तो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। पहला है फैक्टर कंडीशन, अगर सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपको अपने कंट्री में अवेलेबल हो जाएगा तो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेड अच्छा रहेगा। दूसरा डिमांड कंडीशन, अगर मान लीजिए आपके सामान की डिमांड डोमेस्टिकली अगर अच्छी है तो नेचुरल बात है आपकी उसमें स्पेशलाइजेशन होगी है, तो आपका जो काम है इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा चलेगा। फिर रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, अगर सामान को बनाने वाले जो रिलेटिंग और सपोर्टिंग इंडस्ट्री है अगर वो जो है आपके नेशन के अंदर ही है, एक ही जगह पे एस्टैब्लिश है, तो नेचुरल बात है इंटरनेशनल ट्रेड में आपको एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और फिर है फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, जितना अच्छा आपकी फर्म की स्ट्रेटजी है उतना ही आपको जो है वो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये चारों फैक्टर होम एनवायरमेंट की बात करते हैं, मतलब अगर आपके होम एनवायरमेंट में ये चारों फैक्टर अगर आपके फेवर में है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दो और भी हैं, एक है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर आपकी गवर्नमेंट ऐसी है जो आपके फेवर में काम कर रही है तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा रोल ऑफ चांस ऑफ इवेंट, तो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा है कि ऑलमाइटी भी अगर आपके फेवर में है, जैसे मान लीजिए अगर जितना रेनफॉल होना चाहिए उतना रेनफॉल हुआ, तो आपको उसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो फेवर ज्यादा मिलेगा। तो जो आपका माइकल पोर्टर मॉडल है, अगर हम इसकी बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, तो ये दिया था माइकल पोर्टर ने, और ये बात करता है डोमेस्टिक एनवायरमेंट की, ना कि इंटरनेशनल एनवायरमेंट की। इसके बाद में कुछ बातें और भी हैं, सम एक्स्ट्रा टॉपिक, इसको बोलते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड। गेन फ्रॉम ट्रेड का मतलब जो है वो क्या होता है, जब एक कंट्री, मतलब कोई कंट्री फॉरेन ट्रेड में डील जब करती है, जब उसको स्टेट से क्या होता है, फायदा होता है। ये गेन फ्रॉम ट्रेड दो तरीके का, एक होता है कौन सा, स्टैटिक, और एक कौन सा, डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको मुनाफे दो तरह के, एक होगा स्टैटिक और एक कौन सा, डायनेमिक। स्टैटिक गेन कौन सा होगा, ये एक बार में ही होता है, और जो डायनेमिक है वो रेगुलर होता है, ठीक है। मतलब जब आपको इंटरनेशनल ट्रेड में एक ही बार फायदा हुआ उसको बोलते हैं स्टैटिक, और डायनेमिक जो है वो क्या होगा, रेगुलर होता है। दूसरा एक होता है टर्म ऑफ ट्रेड, टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब होता है व्हाट यू गेट फॉर व्हाट यू गिव, मतलब आपने
इंटरेस्ट ट्रेड करते हुए जो दिया उसके बदले में आपको क्या मिला है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड जो है बेसिकली क्या होता है, ये रेशियो है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट कमोडिटी। अब ये जो है तीन तरीके का, एक है नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, एक है ग्रॉस बार्टर, एक है इनकम। नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला जो है वो क्या, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन में इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स अपॉन में इंपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स। और इनकम बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब जो है फॉर्मूला जो है वो क्या है, नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड इनटू में इंडेक्स ऑफ द साइज ऑफ एक्सपोर्ट। अब यहां पे अगली थ्योरी आया कौन सा, दसवीं थ्योरी, नो थ्योरी ऊपर पढ़ लिया, एक पैराडॉक्स पढ़ लिया, टेंथ थ्योरी जो है वो है हेबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है वो दिया किसने था, ये दिया था आपके हेबलर ने, गॉटफ्राइड हेबलर ने। और ये थ्योरी जो है ये बोलती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की क्या होगी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, एक सामान को जैसे ये पेन को अगर मैं बना रहा हूं तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, मतलब या इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए जो दूसरी चीज मैं नहीं बना रहा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इसको बनाने के लिए मैं ये पेन का मैंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो इसका जो नुकसान है वो इसकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन डेट हैज टू बी फोरगोन, वो प्रोडक्शन जो आपने आपको छोड़ना पड़ गया फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, मतलब इस कमोडिटी को बनाने के लिए दूसरी कमोडिटी का जो प्रोडक्शन मुझे त्याग करना पड़ गया वो इसकी, इस सामान की क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो ये दिया था हेबलर, गॉटफ्राइड हेबलर ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर, ये इस थ्योरी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल क्या होता है, इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, इसको बनाने के लिए दूसरे जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन मैंने क्या कर दिया, फोरगोन कर दिया, वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद में लास्ट थ्योरी एक और है, वो है कौन सा, 11th थ्योरी, इट इज द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब जो है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द एक्सपोर्ट दैट ए कंट्री वुड ऑफर एट डिफरेंट टर्म ऑफ ट्रेड इन रिटर्न फॉर वेरिंग क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। मतलब आपने कुछ सामान को जो है वो क्या किया, इंपोर्ट किया, इसको इंपोर्ट के बदले में आपने कितनी क्वांटिटी क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, वो है आपकी रेसिप्रोकल डिमांड। मतलब इस सामान की 10 यूनिट मंगाने के लिए दूसरे सामान की कितनी क्वांटिटी, मान लो मैंने 12 क्वांटिटी अगर मैंने छोड़ी है तो ये 12 क्वांटिटी जो है वो मेरी क्या है, रेसिप्रोकल डिमांड हो गई है। तो रेसिप्रोकल डिमांड, क्योंकि देखो ये इसकी 10 क्वांटिटी मैंने मंगानी है, इसको मंगाने के लिए मैंने इसकी 12 क्वांटिटी बेच दी, तो क्या अल्टीमेटली इसकी डिमांड है या नहीं है, कितने क्वांटिटी की, 12 क्वांटिटी की, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेसिप्रोकल डिमांड। ओके जी सर, लो जी ये हो गया जी आपका चैप्टर नंबर सेकंड। ओके अब हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर थर्ड, आइए अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर थ्री जो है अपना WTO का। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करूंगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड के जो तीन पिलर है उनमें से एक है। पहली बात तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के तीन पिलर कौन कौन से हैं, तो तीन पिलर के नाम पे एक तो है अपना IMF, एक है IBRD और एक है WTO। IMF जो है वो बेसिकली जो कंट्री नेगेटिव BOP को फेस कर रही है तो उसको फंडिंग देता है ताकि उसका नेगेटिव BOP ठीक हो जाए, तो उसके लिए जो है आपका IMF। IBRD जो है वो क्या है, जो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो वॉर डिवेस्टेटेड इकोनॉमीज थी, मतलब वो सारी कंट्री जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से जो इकोनॉमी खत्म हो गई थी, तो उनको फंडिंग करने के लिए बना है IBRD, जिसको बाद में जाके हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। IBRD प्लस में IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब दोनों मिल जाए, IBRD और IDA मिल जाए तो वर्ल्ड बैंक बन जाता है। और एक है WTO। WTO का जो मेन एम है वो है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना, फ्री फ्लो करना। मतलब जब कंट्रीज आपस में क्या कहते हैं, ट्रेड करती हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या बैन लगा देती हैं या कुछ कंडीशन लगा देती हैं, वो जो कंडीशन है या वो जो बैरियर है उन बैरियर को हटाना ताकि इंटरनेशनल ट्रेड फ्री फ्लो हो जाए, ये सब जिम्मेवारी दी गई है किसको, WTO को। बात खत्म हो गया। अब यहां पे हम पढ़ेंगे WTO के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के, एक होती है फंडिंग, एक है कौन सा, नॉन फंडिंग। वर्ल्ड लेवल पे फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एक है आपका IBRD और एक है IMF। ये दोनों का मेन एम जो है फंडिंग करना, और नॉन फंडिंग के नाम पे हमारे पास मेन चलती है एक WTO और एक कौन सा, अंकडार्ट। ये दोनों का मेन एम जो है वो क्या, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना, फ्री फ्लो करना। ठीक है जी, WTO की अगर बात करें, WTO जो है वो तो बना 1985 में, लेकिन उससे पहले हुआ करता था अपना क्या, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1948 1 जनवरी 1948 के अंदर हम लोगों ने जो है वो GATT को स्थापित किया। पहले 1947 के अंदर जो है क्या हुआ था, कुछ कंट्री से मिलकर के जो है 23 कंट्री ने मिलकर के 1947 के अंदर जो है वो एक एग्रीमेंट किया कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो, जिस बॉडी का मेन उद्देश्य जो है वो ट्रेड के ऊपर लगने वाले बैरियर्स को हटाना होगा। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 1948 को जो है वो GATT बन गया। GATT की अगर हम बात करें, GATT जो है वो प्रीडिसेसर है किसका, WTO का। तो WTO के पापा के नाम पर जो है वो, मतलब WTO का पापा जो है वो था GATT। ठीक है, GATT बोले तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। GATT ने अपना काम किया 1947 से लेकर के 1994 तक, और फिर 1994 के बाद GATT को रिप्लेस कर दिया किससे, WTO से। मतलब इन शॉर्ट ये किया गया, जो GATT था उसके जगह पे जो है वो बॉडी बना दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, WTO।
तो अब गेट खत्म हो गया, अब गेट की जगह क्या चलता है, डब्ल्यूटीओ। लेकिन अगर कोई पूछेगी डब्ल्यूटीओ तो सक्सेसर बन गया है गेट का, तो डब्ल्यूटीओ का प्रीडिसेसर कौन था, तो आप क्या बोलोगे गेट। तो कब से काम करें, 1 जनवरी 1948 से जो है उसने गेट में, 1 जनवरी 1948 से लेकर के 31 दिसंबर 1994 तक गेट ने काम किया, और फिर 1 जनवरी 1995 से जो है वो डब्ल्यूटीओ आपके फोर्स के अंदर आ गया। गेट के अंदर जो मीटिंग होती थी उनको बोलते थे हम लोग राउंड, और जब 8वां राउंड हुआ जिसको बोलते हैं उरुगे राउंड, ठीक है, 8वां जो राउंड था इसके अंदर जो है टैरिफ, नॉन टैरिफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन सब की बात की गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है इसके अंदर जो है वो सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है, उरुगे राउंड को। उरुगे राउंड का जो ड्राफ्ट दिया वो दिया था आर्थर डंकल ने, जिसको बोलता है डंकल ड्राफ्ट, उसके बेस पर जो है उरुगे राउंड हुआ। और यहां पे जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो हुआ था कहां पे, माराकेश में, इसलिए बोलते हैं इसको माराकेश एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ के जो फंक्शन है उसमें ये एंश्योर करते हैं फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज स्मूथली, इंटरनेशनल ट्रेड को जितना हो सके स्मूथ, प्रिडिक्टेबल एंड फ्री हो एज पॉसिबल। आगे इट फैसिलिट द इंप्लीमेंटेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट। जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं कंट्रीज के बीच में वो उनका इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत ही क्या हो, स्मूथली हो, और उसको इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प भी करता है। आगे ये प्रोवाइड करता है एक फोरम, फोरम का मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे जाकर के कंट्रीज आपस में ट्रेड के मुद्दों के ऊपर जो है वो नेगोशिएशन कर सकती हैं। ये कैरी आउट करता है पीरियोडिक रिव्यू, अलग अलग कंट्रीज जो है वो फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाती है। तो इसका मेन काम जो है, इसने एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है टीपीआरबी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, उसका मेन काम अलग अलग कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज को क्या करना, रिव्यू करना होता है। ये असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्री को इन द ट्रेड पॉलिसी इशू, उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, एडवाइस देता है। ये कोऑपरेट करता है अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक होगा, आईएमएफ, इनके साथ कोऑपरेट भी करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 लेवल के ऊपर है। फर्स्ट लेवल में आएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो 2 साल में एक बार जिसकी एमसी होती है, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होती है। तो अभी 12th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है इसकी होनी थी लेकिन 2020 में, लेकिन वो नहीं हुई, तो अब इसको शेड्यूल किया गया कि 2022 के अंदर होगी। सेकंड लेवल के ऊपर आएगा जनरल काउंसिल आपका, जनरल काउंसिल के 3 पार्ट होंगे, एक होगा आपका जनरल काउंसिल, एक है डीएसबी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो जिसका मेन काम जो है कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया ट्रेड से रिलेटेड तो उसको सेटलमेंट करवाना, और एक है टीपीआरबी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, इसका मेन काम अलग अलग कंट्री की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उनको रिव्यू करना होता है। थर्ड लेवल पे आएंगी काउंसिल, 3 तरह के काउंसिल है, एक है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, और एक आएगा काउंसिल फॉर ट्रिप्स। और फोर्थ लेवल पे बाकी जो बची हुई कमेटी है वो सब आएगी किस पे, फोर्थ लेवल के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कितना, 4। मेन काम करने वाली जो मेन बॉडी है वो है आपकी जनरल काउंसिल, और जो रूल बनाने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो 2 साल में एक बार मिलती है। इसके बाद आएगा जी आपका फिर इसके कुछ डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल। सबसे पहले ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये बोलता है, ये डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल ये बोलता है जब आप किसी दूसरे मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो वो कैसा करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे। फिर एमएफएन ये बोलता है अगर आपने किसी एक नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया तो आपको बाकी नेशन को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना पड़ेगा। फिर अगर नेशनल ट्रीटमेंट, ये बोलता है कि अगर मान लो एक बार बाहर से आने वाला सामान आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एंटर कर गया तो आप उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो इंडियन प्रोडक्ट हो। फिर आएगा ग्रेजुअल मूव टुवर्ड्स द फ्रीयर मार्केट टुवर्ड्स थ्रू नेगोशिएशन, ये बोलता है कि आप धीरे धीरे करके नेगोशिएशन के थ्रू जो भी आपने बैरियर्स लगा के उन सबको क्या करेंगे, हटाएंगे। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, आप बाइंडिंग एग्रीमेंट करेंगे, मतलब ये है कि एग्रीमेंट्स के अंदर आपको ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे ताकि व्यापार को प्रिडिक्ट किया जा सके। एंड प्रोमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन, और ऐसा करते हुए आप फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करेंगे। इसके बाद होकमैन एंड कोस्टेकी ने जो है वो अपने कुछ प्रिंसिपल दिए, उसमें तो सबसे पहले नंबर पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो वही कि आप जब भी ट्रेड करेंगे तो मतलब बिना किसी भेदभाव के करेंगे। दूसरा रेसिप्रोसिटी, ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर किसी एक कंट्री ने आपके लिए अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी उस कंट्री के लिए अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करो। फिर आएगा आपका मार्केट एसेस, ये बोलता है कि अगर कोई सामान अगर आपकी कंट्री के अंदर आ गया तो आप उसको फ्रीयर मार्केट असेस भी देंगे। फ्रीयर मार्केट असेस का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर बैन नहीं लगाओगे कि ये सामान सिर्फ हरियाणा में ही बिकेगा या ये दिल्ली में नहीं बिक सकता, ऐसा आप नहीं करेंगे। एंड लास्ट है फेयर कॉम्पिटिशन। इसके बाद जो उरुगे राउंड हुआ, 8th जो राउंड था गैट का, इसके अंदर जो है वो कुछ एग्रीमेंट हुए। सबसे पहले नंबर पे है एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर 3 बातें की गई, एक किया गया मार्केट असेस प्रोविजन, एक है डोमेस्टिक सपोर्ट, और एक है एक्सपोर्ट सब्सिडी। सबसे पहले मार्केट असेस की बात करें तो इसके अंदर था इंपोज करना टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगाना। यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, टेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ, मतलब जो नॉन टैरिफ बैरियर थे जैसे कोटा बैरियर उन सबको रिमूव करके और उसको कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, टैरिफ के अंदर। डोमेस्टिक सपोर्ट या सब्सिडी की अगर बात करते हैं तो ये बात करते हैं किसका, इट इंक्लूड दोज डेट रेस और गारंटी प्राइस टू फार्मर इनकम। इसके अंदर ना क्या होता है, जैसे सब्सिडीज दी जाती है, सब्सिडीज को यहाँ डब्ल्यूटीओ के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका ग्रीन बॉक्स, एक है एम्बर बॉक्स, और एक कौन सा, ब्लू। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो है जो आप फ्रीली दे सकते हो, मतलब कोई भी कंट्री जो है अपने फार्मर्स को कितनी भी सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। ग्रीन
ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। और ग्रीन बॉक्स के अंदर मेन बात यह है कि ये ऐसी सब्सिडी होती है जो ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती। अभी उसको आगे पढ़ लेंगे। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में इनके बारे में बात की गई। इसके बाद में आया जी आपका सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी रूल्स। ये बोलता है अगर बाहर से आने वाले सामान से अगर आपके यहां पे इंसान को, जानवरों को या प्लांट्स को, अगर तीनों में से किसी के ऊपर उसका बैड इंपैक्ट पड़ा तो आप उसके ऊपर जो है बैन लगा सकते हो। फिर है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। गैट के अंदर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो है उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिसको बोलते हैं एमएफए मल्टीफाइबर एग्रीमेंट। लेकिन जब 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बना तो ये जो एमएफए था इसको कन्वर्ट कर दिया एटीसी में, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। और ये बोला गया कि 10 साल के अंदर 1 जनवरी 1995 से लेकर के 2004 तक, 31 दिसंबर 2004 तक 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो भी हमने टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के ऊपर जो हमने बैन लगा रखा है उसको पूरी तरह से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और उसके बाद मतलब 2005 से जो बिजनेस है इसको फ्री फ्लो कर देंगे। तो लिखा भी हुआ है फ्रॉम 1974 अंटिल द एंड ऑफ द उरुग्वे राउंड द इंटरनेशनल ट्रेड इन टेक्सटाइल को गवर्न किया था एमएफए के द्वारा। ऑन 1st January 1995 एमएफए को रिप्लेस कर दिया बाय द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट एटीसी, एग्रीमेंट टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग व्हिच हैज सेट आउट अ ट्रांजिशन प्रोसेस। इसने दिया कि अल्टीमेटम रिमूव कर देंगे कोटा को ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। फिर था टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। इसके अंदर जो है कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो इश्यू किए गए, उसको हर कंट्री जो है वो क्या करेगी, एडेयर करेगी। फिर है ट्रिम्स। ट्रिम्स का मतलब ये है बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है वो ट्रिम्स आया। और ट्रिम्स के अंदर आप जो है फॉरेन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप रोक नहीं लगाओगे। तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। इसका मेन जो मोटिव था वो ये था कि प्रमोट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद एंटी डंपिंग प्रैक्टिस। एंटी डंपिंग प्रैक्टिस के लिए सनसेट क्लोज आया, मतलब कोई भी कंट्री अगर अपने सामान को दूसरे कंट्री में डंप करती है तो दूसरे कंट्री के पास कि वो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। उसके लिए जो है वो एक सनसेट क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर है कस्टम वैल्यूएशन। कस्टम वैल्यूएशन के लिए जो है वो ये बोला गया कि आप इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी आपकी सीआईएफ वैल्यू पे, और जो आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लगेगी आपकी एफओबी वैल्यू पे। फिर है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। सामान को भेजने से पहले आपको पहले इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। फिर है रूल ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ये है जब भी आप सामान को भेजेंगे तो पहले रूल ऑफ ओरिजिन देखोगे। इसका मतलब ये है कि आप देखोगे जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना लिखा होता है तो क्या एक्चुअल में वो सामान वहीं से बन के आया है या नहीं। फिर है इंपोर्ट लाइसेंस प्रोसीजर, इसको सिंप्लीफाई किया गया। सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेथड जो है वो दिया गया, अगर विदेशी गवर्नमेंट जो है वो अपने फार्मर्स को अगर कोई सब्सिडी प्रोवाइड करी थी तो आपके पास राइट है कि आप जितने उन्होंने सब्सिडी दिया उतना आप एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकते हो इन द नेम ऑफ द सीबीडी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। फिर है सेफगार्ड। सेफगार्ड की आप बात अगर हम करते हैं तो इसको बोलते हैं एसएसए, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, एसएसएम बोलते हैं इसको। यह आया था किसके लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर यह बोला गया कि अगर आप चाहें तो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर से आने वाले सामान से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा करके, इसको प्रॉपरली मैंने बता दिया। और फिर आ गया गैट्स। गैट्स को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। गैट्स को यहां पर सर्विसेज को, मतलब फॉरन सर्विसेज को चार पार्ट में डाला गया। पहला एक है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। ये क्या होता है, सर्विस सप्लाई फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करना क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। एक होता है कंजम्पशन अप्रोड, इसके अंदर क्या होता है कंज्यूमर और फॉर्म टेकिंग मेकिंग यूज ऑफ द सर्विस इन अनदर कंट्री, मतलब जैसे मेरे को अगर सर्विस चाहिए तो मैं विदेश में जाऊंगा सर्विस लेने के लिए, इसको बोलते हैं कंजम्पशन अप्रोड। एक होता है कमर्शियल प्रेजेंस, इसका मतलब जो है वो क्या होता है, जब एक फॉरेन कंपनी अपने बिजनेस को दूसरी कंपनी में, दूसरे कंट्री में सेटअप कर ले, उसको बोलते हैं क्या, कमर्शियल प्रेजेंस। और लास्ट जो है वो है क्या, प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन। जैसे मान लीजिए बाल काटने वाला वो जावेद हबीब है, मान लो वो इंडिया का, और अगर वो बाल काटने के लिए चला जाए कहां पे, यूएसए के अंदर किसी पर्सन के बाल काटने, उसको बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल ट्रेवलिंग फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सप्लाई सर्विस इन अनदर कंट्री, तो इसको बोलेंगे आप लोग क्या, प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन। ये चारों को ध्यान रखना, गेट्स के अंदर ये चारों जो है वो सब आपकी फॉरेन सर्विसेज का पार्ट है। फिर है ट्रिम्स, ट्रिप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इसमें जो भी आपके आईपीआर हैं जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, उन सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया। कॉपीराइट के लिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया 50 साल का, मतलब आप लोग जो 50 साल के लिए कॉपीराइट करवा सकते हो, आगे बात करेंगे। ट्रेडमार्क के लिए 7 साल का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन 10 साल के लिए, पेटेंट 20 साल, लेआउट डिजाइन कितने 10 साल के लिए, अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन जो है टेस्ट डाटा या आपका ट्रेड सीक्रेट, इसको भी ये भी आपके ट्रिप्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए जो है वो डीएसबी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है बनाई गई। और फिर टीपीआरएम जो है वो क्या करेगा, मेंबर कंट्री के ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने का काम करेगा। इसके बाद में डब्ल्यूटीओ की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है। अम्ब्रेला एग्रीमेंट का मतलब, अम्ब्रेला किसी भी बॉडी के बारे में अगर बोल दे कि वो अम्ब्रेला एग्रीमेंट है या अम्ब्रेला बॉडी है, इसका मतलब वो एक से ज्यादा मुद्दों के ऊपर जो है बात करते। जैसे अम्ब्रेला अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है ना,
ये अम्ब्रेला की जो है वो नोट्स होती हैं, नोट्स बनी होती हैं अलग अलग। हाँ जी सर, तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला, मतलब इसके जो है वो एक कोई, मतलब ये जो है वो किसी एक मुद्दे पे जो है वो बात नहीं करते, यहाँ पे जो है वो क्या होता है, कई सारी बातें जो है वो मतलब कई सारे प्रोविजन बने होते हैं। तो WTO के अंदर देखो ट्रिप्स भी है, ट्रिम्स भी है, गेट्स भी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं WTO के बारे में। तो पहले बात, फॉर्मेट कब हुआ, 1995 को WTO जो है वो कब बनाया, 1995 के अंदर आया अंडर द माराकेश एग्रीमेंट साइन बाय द 124 मेंबर इन 15 अप्रैल 1994 को। उसके बाद है क्या, ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पर्पस इसका क्या था, रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप इन्हें 164 मेंबर है और नया मेंबर अफगानिस्तान था। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी इंग्लिश है और डायरेक्टर जनरल ये बता रखा है। अब इसकी जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है, गैट के अंदर होते थे जो मीटिंग होती थी उसको बोलते थे हम लोग क्या, राउंड। और जो आपकी WTO इसके अंदर जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, MC मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस WTO में। अभी रिसेंट में 12वीं मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है वो डिसाइड किया गया टू बी हेल्ड होना था कजाकिस्तान में 2020 के अंदर, लेकिन उसको बाद में जो है वो क्या कर दिया, अब उसको कोविड की वजह से 2020 में पहले वो उसको पोस्टपोन किया 2021 के लिए, 2021 में फिर कोविड आ गया, अब दोबारा उसको पोस्टपोन करके, और जो इसको शेड्यूल किया गया वो किया गया है 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन, नकली सामान को इस तरीके से शो करना कि वो असली है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, काउंटरफिट। एक होता है काउंटरवेलिंग मेथड, ये आपको मैंने बताया, इंपोर्टिंग कंट्री जो है बाहर से आने वाला कोई सामान है, मान लीजिए अगर वो आपकी कंट्री को नुकसान पहुंचा सकता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ मेजर ले सकते हो। काउंटरवेलिंग मेजर के अंदर क्या, बाहर वाली गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, अपने एक्सपोर्टर्स को कुछ सब्सिडी दी थी, ठीक है, जिससे उन्होंने अपना सामान सस्ता कर दिया और वो सस्ता सामान आपकी कंट्री में आएगा तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको हमने राइट दिया कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ड्यूटी लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटरवेलिंग मेथड। एक होता है डिस्टॉर्शन, जब आपका प्राइस और प्रोडक्शन बहुत ही हायर या लोअर लेवल पे होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्टॉर्शन। फिर है डंपिंग, अपने सामान, मतलब सामान को जो है वो विदेश में जाकर के सस्ते रेट पर, कोस्ट से भी बिलो जाकर बेचना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डंपिंग। और फिर रहेगा आपका क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोकने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कुछ कोटा लिमिट सेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सम एग्रीमेंट, ये आप रीडिंग कर लीजिएगा, ये मैंने आपको करवा दिया टेक्सटाइल क्लॉथिंग का, ये ट्रिम्स वाला हो गया, गेट्स वाला, इसका रीडिंग कर लीजिएगा। अब आएगा डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के लिए टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो क्या, अगर अपील नहीं है तो फिर एक साल, और अपील के अंदर चले गए तो फिर डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट पीरियड है वो कितना है, 1 साल और 3 महीने। फिर बात करूंगा सब्सिडी का, सब्सिडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो कि फुली अलाउड है, एक है एम्बर बॉक्स जो कि प्रोहिबिटेड है, दूसरा मेन बात ये कि WTO के अंदर जो है वो कोई भी रेड बॉक्स सब्सिडी नहीं होता, ठीक है, और फिर एक है कौन सा, ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स जो है वो क्या, अलाउड है बट विद कंडीशन, ठीक है जी। 3 तरह की सब्सिडी, पहला है ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो है कोई भी ऐसी सब्सिडी जो एक देश की गवर्नमेंट अपने देश के फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, लेकिन उस सब्सिडी से कोई भी ट्रेड का डिस्टॉर्शन नहीं होता और ना ही वो प्राइस सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ग्रीन बॉक्स, ठीक है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डी मिनिमिस सब्सिडी, मतलब इसको जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा भाई, एक में एक मैक्सिमम टाइम पीरियड, मैक्सिमम लिमिट दे रखिए, उतना ही आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो, उससे ज्यादा आप सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और एक होती है कौन सी, ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी वो है जो क्या है, अलाउड है बट विद सम कंडीशन, अलाउड तो आप दे सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में, और कंडीशन जो है वो कितनी है, 2 कंडीशन है, और 2 कंडीशन जो है वो कौन कौन सी है, पहली कंडीशन तो ये है कि इसके अंदर आप लोग जो है वो क्या करेंगे, अपने लैंड को सेट असाइड करेंगे, ठीक है, ये एक कंडीशन है कि आपको लैंड को क्या करना पड़ेगा, सेट असाइड करना पड़ेगा, मतलब यहां पे हम कोटा डिसाइड कर देंगे कि उतना ही आप बस काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, या तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन कोटा लगा देंगे, या हम को फार्मर्स को बोलेंगे कि आप अपनी लैंड को क्या करो, सेट असाइड करो। इसके बाद है नामा, नामा की अगर बात करते हैं तो आपको मैंने बताया ये होते हैं क्या, नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस। नामा के अंदर टोटल मिला के जो है वो आपके जो गुड्स आ रहे हैं, ये सारे कौन से, आपके जो ट्रेडिंग वाले जो गुड्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा वाले जो गुड्स हैं, ठीक है। व्हाट आर नामा प्रोडक्ट, नामा रेफर्स टू ऑल प्रोडक्ट नॉट कवर्ड बाय द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो सारे प्रोडक्ट जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो कवर नहीं थे, वो सब किसके अंदर आएंगे, अब नामा में। इन अदर वर्ड्स इन प्रैक्टिस इट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना कि नामा में आप जो आएंगे वो कौन से आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आएंगे, फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट, फिश एंड द फिश प्रोडक्ट। अच्छा जी, नामा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 90% जो है वो ट्रेड मर्केंडाइज के अंदर वो किस में हो रहा है, नामा प्रोडक्ट में हो रहा है, ठीक है जी। अब नामा में जो पंगा पड़ा वो क्या था, वो ये है, मैं आपको करवा देता हूं, आओ, इशू अंडर द नामा, नामा मतलब नॉन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग असेस देंगे। यहां पे डेवलप कंट्री ने जाके WTO में गुहार लगाई और ये बोला कि देखो डेवलपिंग वाले जो गरीब नेशन है वो
इनके वो ड्यूटी लगा रहे हैं, मतलब हमारा जो सामान जब उन नेशन से जाता है तो वो उसके ऊपर जो है वो ड्यूटी लगा देते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई रेट से ड्यूटी लगाते हैं, जिससे हमारा सामान बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे ये इशू गया वहां अपना डब्ल्यूटीओ के अंदर, तो डब्ल्यूटीओ ने जो डेवलपिंग कंट्री है उनको बुलाया, तो उन्होंने आके अपनी बात वहां पे रखी और वो ये बोले देखिए हम ड्यूटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके सामान की वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि ये लोग डेवलप्ड है, अब ये अपना सामान जो बनाते हैं तो उनका सामान थोड़ा सस्ता बनता है, हमारे पास जो टेक्निक है वो नई नई है, हमारा जो सामान होता है महंगा बनता है, अगर इनको इस सामान को हमने अलाउ कर दिया तो हमारे वाले सामान की सेल जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम उनके सामान के ऊपर क्या लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, और WTO तुम हमको बेनिफिट ये दो कि अगर हम अपना कोई सामान डेवलप कंट्री में लगा में बेचे तो वो उस सामान के ऊपर लगाने वाले बैरियर को क्या कर दें, रिमूव कर दें। वो पंगा जो है वो WTO के अंदर आज भी चल रहा है और स्टिल अभी भी वो, मतलब 2008 के अंदर जो है सोचा था कि ये सुलझ जाएगा, बट अभी भी वो उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो चल रही है, 2021 आ गया लेकिन ये पंगा अभी भी चलते आ रहा है। तो बस आप ये समझिएगा नामा का मतलब जो है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस, तो वो सारे प्रोडक्ट जो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के अंदर काउंट नहीं थे वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके नामा में। और पंगा जो है वो ये चल रहा है कि वो सामान जब डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग में आता है तो डेवलपिंग कंट्री वाले जो उसके ऊपर हैवी रेट से ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे वो सामान जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। अब पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, सबसे पहले कॉपीराइट की बात कर लूँ, कॉपीराइट के अंदर जो है वो क्या आएगा, ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप लाइक बुक हो गया, आर्टिकल हो गया, सॉन्ग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर, ये सब जो है ये पार्ट है किसका, कॉपीराइट का। पेटेंट के अंदर जो है वो क्या होता है, पेटेंट में आप प्रोटेक्ट कर सकते हो किसको, इन्वेंशन, कोई भी आपने इन्वेंशन करी है, ठीक है, लाइक प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर, कंपोजिशन, ये सब। और ट्रेडमार्क के अंदर जो है वो क्या आएगा, कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी नाम हो गया, सिंबल हो गया, ये सबको आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटेक्ट करवा, कॉपीराइट अगर करवाना है तो वर्क कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव हो एंड फिक्स हो इन टर्म्स ऑफ द टेंजिबल मीडियम। अगर पेटेंट को कॉपीराइट करवाना है तो क्या, इन्वेंशन आपकी कैसी होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए एंड नॉन ऑब्वियस, मतलब ऐसी हो जो हर कोई ना कर सकता हो। और ट्रेडमार्क को कॉपीराइट करवाना तो जो वो मार्क है, जो सिंबल है वो कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। टर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो बता रखें, नॉर्मल कॉपीराइट ऑथर की लाइफ प्लस में 70 साल, पेटेंट के लिए 20 साल, और जो ट्रेडमार्क है वो एज लॉन्ग एज द मार्क इज यूज इन द कॉमर्स। राइट ग्रांटेड जो है वो क्या होगा, अगर आपने जो है वो कॉपीराइट करवा तो राइट टू कंट्रोल जाएगा रिप्रोडक्शन, मेकिंग ऑफ डेरिवेटिव वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क। अगर कोई ऐसा पर्सन करेगा तो उसको पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। पेटेंट के अंदर क्या, अगर आपने कोई अपनी रिसर्च को पेटेंट करवा लिया तो आपको राइट है कि आप रोक लगा सकते हो अदर को कि वो उसके बेस पर जो है मेकिंग, सेलिंग, यूजिंग और इंपोर्टिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता। और कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क के अंदर जो है वो क्या होता है, इसमें आपको राइट मिलेगा कि आप यूज कर सकते हो मार्क को एंड टू प्रिवेंट कर सकते हो दूसरे को भी कि वो आपके मार्क को जो है वो यूज ना करे, ठीक है जी। अब आएगा केपीओ और बीपीओ, आपको मैं बताया था, एक होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ जो है वो किसके लिए होता है, मैंने बताया बीपीओ होता है बेसिक जो सर्विस है उनके लिए होता है क्या, बेसिकली आपका बीपीओ। और जो केपीओ होता है वो क्या होता है, एक्सपर्ट जो सर्विसेज होती है उनके लिए होता है आपका क्या, केपीओ। बीपीओ स्टैंड फॉर द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ स्टैंड फॉर द नॉलेज प्रोसेस। बीपीओ के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन केपीओ के लिए स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। बीपीओ आपका लो एंड सर्विस होता है, लेकिन केपीओ हाई एंड सर्विस है। बीपीओ के अंदर जो प्रोसेस है वो प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है, और केपीओ के अंदर जो है वो क्या, इट रिक्वायर एप्लीकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। बीपीओ जो है वो क्या, नॉट सो क्वालिफाइड एम्प्लॉइज वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन केपीओ के जो एम्प्लॉई है वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। बीपीओ में एक्सपर्टाइज होती है आपकी प्रोसेस में, जबकि केपीओ में एक्सपर्टाइज आपकी किसमें होती है, नॉलेज के अंदर। एक्चुअल में बीपीओ जो केपीओ है वो पार्ट है बीपीओ का, बट वो स्पेशलाइज हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। बीपीओ रिलाई करता है कोर्स के ऊपर, और केपीओ रिलाइज करता है किस पर, नॉलेज के ऊपर। जो बीपीओ को ड्राइविंग फोर्स है, मतलब बीपीओ कब फले फूलेगा, जब उसके पास काम ज्यादा आएगा, और केपीओ कब फले फूलेगा, जब उसको नॉलेज ज्यादा होगी। बात खत्म हो गया, ठीक है। अब है थोड़ा सा इशू आपका नई, जो आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो कजाकिस्तान में होनी थी लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया, अब 2021 के अंदर वो कहां पे होगी, बोलो, स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर। तो इसके अंदर क्या इश्यूज थे, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये था जी, व्हाट इज द डिवाइड बिटवीन द डेवलपिंग एंड द डेवलप कंट्री। तो मैंने बताया था इन द लेट 90s इट वॉज फेल्ट एट द रूल, शुरुआत में यह महसूस किया गया जो रूल बने थे मार्केट इकोनॉमी को फ्री करने के, वो सब किसके फेवर में थे, डेवलप कंट्री की, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंट्री थी उन्होंने जो भी रूल WTO के अंदर बनवाए वो सब अपने फेवर के लिए बनाए। WTO वाज अशर सच ए वर्ल्ड ऑर्डर, द डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्री रेज देयर ग्रीवेंस। और WTO जो डेवलपिंग कंट्री थी वो बेचारे रोते थे कि यार हमारे लिए तो आप सोचते नहीं हो, जो भी रूल बनते हैं वो डेवलप नेशन के रिगार्डिंग बनते हैं। जो इशू
छोटे लोगों ने जो उठाए, मतलब छोटी कंट्रीज ने जो इशू उठाए वो था सबसे पहले एग्रीकल्चर। उन्होंने बोला प्लीज आप मना करो डेवलप कंट्री को कि वो अपने फार्मर्स को जो है ट्रेड डिस्टोर्शन करने वाली सब्सिडी प्रोवाइड ना करें। दूसरा मेडिसिन, उन्होंने ये बोला कि प्लीज आप उनको बोलो कि वो आईपीआर के नॉर्म्स को रिलैक्स करें ताकि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ठीक है, मतलब जो जब इंसान को बचाते हैं कुछ ऐसी दवाइयां जैसे कैंसर की दवाइयां, तो उनको जो है वो क्या करें सस्ते रेट में पहुंचाई जा सके। और तीसरा उन्होंने एसडीडी का, उन्होंने बोला स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब ये कि एक ही सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर अलग अलग रूल होने चाहिए। डेवलप कंट्री जो है, मान लो अगर हम डेवलपिंग कंट्री वाले हैं तो हम बाहर से आने वाले सामान पे अगर 20% टैक्स लगा रहे हैं तो हमारे यहां से अगर वही सामान दूसरे नेशन में जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो सिर्फ 2% होना चाहिए। ऐसा हमको आप ट्रीटमेंट जो है वो क्या करो प्रोवाइड करो, उसको बोलते हैं एसडीटी, स्पेशल एंड डिफरेंशियल। स्पेशल है और कैसा है, डिफरेंशियल, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये इशू उन्होंने उठाया था, उन्होंने ये बोला ये पंगे हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है वो आप क्या करो कानून बनाओ, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ की जो भी प्रोसीडिंग हो रही है वो सब डेवलप्ड नेशन को देख के हो रही है, तो अंडर डेवलपिंग वालों ने ये इशू उठाया। अब पंगा जो जब ये बढ़ा तो डेवलप कंट्री वालों ने फिर कुछ अब जब ये इश्यूज होने शुरू हुए तो डेवलप कंट्री वालों ने कुछ बातें बोली। दे वांटेड द मिनिस्ट्रियल टू सी द फास्ट ट्रैक ऑफ द ई कॉमर्स, उन्होंने बोला कि ई कॉमर्स के ऊपर ये कुछ काम करें ताकि आगे जो ई कॉमर्स पे जो ट्रेड हो रहा है तो उसमें हमको बेनिफिट हो। दूसरा, यूएस ने, ईयू ने, जापान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया चाइना को कि वो ट्रेड डिस्टोर्टिंग प्रैक्टिस जो है ओवर कैपेसिटी वाला एंड मैनेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी वाला उसके ऊपर वो काम करे, ताकि क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन कर रहा है और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो है सस्ता कॉन्टेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना को मिला हुआ है। इसके बाद फिर डेवलपिंग कंट्री वालों ने जो है वो ये बोला, और फिर उन्होंने डेवलप कंट्री वालों ने एक और बोला कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का जो है वो टैग लगा गए और वो है एक्चुअल में डेवलप कंट्री है, उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, स्पेशली बोला गया था इंडिया और चाइना के लिए। इंडिया और चाइना आज के डेट में कैटेगरी तो किस कैटेगरी में आती है, डेवलपिंग में, लेकिन यहां हमारा जीडीपी तो बहुत बड़ी है, तो उन्होंने बोला कि उनसे डेवलपिंग वाला जो है वो जो उदा उसको छीन लिया जाए। फिर डेवलपिंग कंट्री वालों ने अपनी कुछ बात रखी और उन्होंने ये बोला कि जो ट्रेड डिस्टोर्शन की जो सब्सिडीज थी, बोले तो जो एम्बरबोक सब्सिडी जो डेवलप कंट्री वाले अपने फार्मर्स को देते हैं वो आज भी, चाहे उनका 5% है वो रेशियो, मैंने आपको लिखवाया भी था 5 और 10 का रेशियो था, चाहे उनका 5% वो देते हैं सब्सिडी, लेकिन उनका 5% आज भी 10% से ज्यादा है, तो उन्होंने झगड़ा कर दिया, तो उसकी वजह से जो है वो क्या आ गया, पीस क्लोथ आया, मोदी जी ने पीस क्लोथ ले गए और वो पीस क्लोथ अभी भी जो है वो चल रहा है। तो इंडिया को अब जो भी, जब भी मान लो कोई किसी भी इशू के ऊपर बात होती है तो इंडिया वाले सीधा बोलते हैं कि पहले वो सब्सिडी वाला जो है वो निपटान करो, उसके बाद ही किसी इशू के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। तो अभी सोचा गया था कि जो ये 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर जो है फूड सब्सिडी के रिगार्डिंग जो है कुछ ना कुछ उसका नतीजा निकल गया, बट वो अभी तक हुई नहीं है, तो शायद आप नवंबर के अंदर, आपका पेपर तो हो जाएगा, तो नवंबर के अंदर जो है जब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी तब आप देखिएगा कि इसका क्या निकल गया है, ठीक है ना। तो इशू बेसिकली ये थे, ये फूड सिक्योरिटी इशू था और अभी इस पे क्या चल रहा है, पीस क्लोज, लेकिन अब इंडिया परमानेंट सोल्यूशन की डिमांड कर रहा है। इंडिया और चाइना दोनों ने बोला हुआ है कि आप परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ के दो हमको इसका, तब जाके हम आगे किसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। ओके जी सर, ये है जी इट्स ऑल अबाउट द डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ये हो गया अपना डब्ल्यूटीओ खत्म। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 का। अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो ये है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से निपटा देते हैं इसको। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, तो पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक डबल एंट्री रिकॉर्ड सिस्टम है, ठीक है, एक बुक कीपिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक बुक है, ठीक है, एक अकाउंट है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, अपने इंडिया के लोगों का और अपने इंडिया की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट के साथ जो भी फॉरेन ट्रेड हुआ या जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन हुई है उन सब फॉरेन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग जिस बुक के अंदर किया जाता है उस बुक को बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए डबल एंट्री सिस्टम है ऑफ रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक नेचर की ट्रांजेक्शन है उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम लेके आते हैं किसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बिटवीन द किस किसी बीच में रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरी आउट इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस पेमेंट स्टेटमेंट प्रेजेंट ए क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहला ऑल रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड सर्विसेज रेंडर्ड, और इसमें क्या क्या है, ऑल रिसीप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड सर्विसेज रेंडर्ड, कैपिटल रिसीव बाय द रेसिडेंट, पेमेंट मेड बाय द रेसिडेंट ड्यू टू गुड्स इंपोर्टेड सर्विस रिसीव फ्रॉम
आगे कैपिटल ट्रांसफर टू द नॉन रेजिडेंट फॉरनर, ये सब ट्रांजेक्शन जो है वो आती है किसके अंदर, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक मैनुअल जो है, मतलब आपको किस तरीके से जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना है, तो उसके लिए एक मैनुअल IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसको बोलते हैं BPM, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल। अभी चल रहा है BPM 6, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है वो बनाता है BPM 6 के अकॉर्डिंग। अपने इंडिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है वो इंडियन रुपीज में नहीं बनता, वो बनता है US डॉलर के अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आने वाले जो अकाउंट है वो है आपके, चार तरह के अकाउंट उसके अंदर आते हैं। एक है आपका कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट, एक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट और एक है एरर एंड ओमिशन अकाउंट, मतलब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी और एक है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो है जी आपका, एक कुछ बातें बोली गई है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक नैरो टर्म है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ओनली मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, ठीक है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है और उसके अलावा जो है वो कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो भी, ये सब भी आता है। अब बात करें कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट के नाम पे अपने पास में चार है, एक है आपका करंट अकाउंट, एक है आपका कैपिटल अकाउंट, एक है यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट और एक कौन सा ऑफिशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जो है वो चार तरह के आइटम आती है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है विजिबल आइटम, एक है इनविजिबल। विजिबल के अंदर आएगा मर्केंडाइज ऑफ, मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट और मर्केंडाइज का इंपोर्ट। और इनविजिबल के अंदर तीन आएगा, एक आएगा सर्विस, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसकी रिकॉर्डिंग होगी करंट अकाउंट में, एक आएगा सर्विस के बाद में आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल नेचर की जो भी ट्रांसफर होगी उनका मिलना और उनको देना वो सब आएगा किसके अंदर, आपके करंट अकाउंट में। और एक है जी आपका फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम रिसीव एंड फैक्टर इनकम पेड, ये सब आएगा किसके अंदर, आपके करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट के अंदर आने वाली जो ट्रांजेक्शन जो आइटम्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है विजिबल एक है इनविजिबल। विजिबल, विजिबल के अंदर आएगा ओनली मर्केंडाइज और इनविजिबल के अंदर आएगी तीन चीजें, एक आएगा आपका सर्विस, एक है यूनिलेटरल ट्रांसफर और एक आएगा कौन सा फैक्टर इनकम। इसके बाद में फिर अगर कोई रिसीव होता है तो उसको क्रेडिट नोट करते हैं और जो आपने पेमेंट करी है फॉरेन करेंसी का तो उसको डेबिट नोट करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाले जो ट्रांजेक्शन उनको जो है वो डिवाइड किया गया किस किस के अंदर, एक है प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल के अंदर बेसिकली जो है वो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट FDIB और FPIB, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट हो गया, या एस्टिमेट पोर्शन ऑफ द अनक्लासिफाइड रिसीट एलोकेट टू द कैपिटल अकाउंट, ये सब आइटम जो है वो किसका पार्ट है, आपके कैपिटल अकाउंट का। दूसरा बैंकिंग कैपिटल, बैंकों के अंदर जो पैसा आ रहा है बाहर से वो सब उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो होगी कैपिटल अकाउंट में। और फिर है ऑफिशियल कैपिटल, RBI के पास में जो है वो फॉरेन करेंसी के रिजर्व होते हैं, तो RBI कस्टोडियन है फॉरेन करेंसीज का, ठीक है, तो उसके पास जो रिजर्व का जो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो सब भी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपकी बेसिकली यहां पे होती है। कैपिटल अकाउंट के बाद में एक है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जिसका एक तरफा प्रवाह होता है। एक तरफा प्रवाह का मतलब ये हो गया कि इसके बदले में अगर आपको बाहर से कोई भी दान मिला तो बदले में आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो सब जो है वो आपके इस अकाउंट के अंदर जो है वो लिखा था, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट, जिससे जैसे गिफ्ट हो गया, हालांकि ये करंट अकाउंट का पार्ट है। और एक है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ऑफिशियल सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियल सेटलमेंट के अंदर क्या आएगा, अगर आपका कभी BOP जो है वो नेगेटिव हो गया तो उसको पूरा करते हैं कौन, RBI उसको पूरा करेगा अपने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। तो ये है आप RBI का ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। अब क्या होगा जी, आपका कैपिटल का इनफ्लो दो तरीके का होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर होने वाला इनफ्लो दो तरीके का, एक होता है आपका ऑटोनोमस, एक है अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस को बोलते हैं अबव द लाइन, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है पूरे साल के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। और जो ट्रांजेक्शन साल खत्म होने के बाद में बैलेंसिंग करने के लिए जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एकोमोडेटिंग, जिसको बोलते हैं क्या, बिलो द लाइन, जो जान करके की जाती है नेगेटिव BOP को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है कौन सी आपकी एकोमोडेटिंग और एक है कौन सा ऑटोनोमस। इसके बाद में आएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो क्या होता है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो माइनस फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो, ऑन अकाउंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लोन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एनी अदर कैपिटल फ्लो। फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, आपको मैंने बता दिया, जो हमारी मॉनिटरी अथॉरिटी है जो RBI है वो क्या करता है, ऑफिशियल करेंसी के रिजर्व को मेंटेन करके चलता है। तो ऑफिशियल करेंसी के अंदर ये सब आएगा, जैसे मॉनिटरी गोल्ड हो गया, SDR हो गया, IMF जो प्रोवाइड किया है, और फॉरेन करेंसी की एसेट हो गई है। इसके बाद ओवरऑल BOP जो है वो कैसे बनेगा, ओवरऑल BOP में आएगा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। जो आपका BOP होगा या तो वो इक्विब्रियम में होगा या डिसइक्विब्रियम होगा। अगर वो इक्विब्रियम है इसका मतलब क्या कि फॉरेन करेंसी से होने वाला इन्फ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम है। डिसइक्विब्रियम का मतलब जो है वो क्या हो गया, फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो इज नॉट इक्वल टू फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो। अब डिसइक्विब्रियम तो या तो होगा पॉजिटिव या फिर होगा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, जब फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो इज ग्रेटर देन फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो, और अगर नेगेटिव है तो फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो इज लेस देन फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो। अब कॉजेस क्या है BOP के डिसिप्लिन होने के, सबसे पहला है प्राइस चेंज, कीमत में जब चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हमारा BOP जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है। जैसे मान लो इन्फ्लेशन हो गया, हमारी कंट्री में जो है महंगाई बढ़ गई, तो उससे क्या होगा,
हमारे सामान के रेट महंगे हो जाएंगे और विदेश वाला के सामान के रेट सस्ते दिखेगा, ठीक है। पहले वो भी 100 का था, हमारा भी 100 का था, लेकिन अब हमारे यहाँ पे महंगाई है तो हमारा सामान 100 की जगह 150 का हो गया, वो अभी भी 100 का है, तो अब उनका सामान बिकेगा हमारा नहीं बिकेगा, जिससे हम क्या करेंगे उनके इंपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो नेचुरल बात है हमारा बीओपी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बिजनेस साइकिल, कई बार बूम रिसेशन इसका भी हमारे जो है वो बीओपी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर सेक्युलर डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन लंबे समय से है तो उसको बोलते हैं सेक्युलर। फिर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से अगर मान लो आपका बीओपी में डिसिप्लिन हो गया तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्ट्रक्चर। और एक होता है टेम्पोरल, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका बीओपी जो है वो एडवर्स हो गया उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टेम्पोरल। अब जो आपका डिसिप्लिन उसको सही करने के उपाय, उपाय के नाम पर आपके पास में दो है, एक है डायरेक्ट मेजर, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजर के अंदर तो आप क्या करते हो, एक्सचेंज को कंट्रोल कर लो, मतलब यहां पर आप सीधा इंपोर्ट के ऊपर क्या लगा दोगे, बैन लगा दोगे। इनडायरेक्ट दो तरह के, एक आपका इनकम रिलेटेड, एक है प्राइस रिलेटेड। इनकम रिलेटेड में आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाओगे, कैसे बनाओगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आप इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, जिससे क्या होगा पैसा जो है वो महंगा हो जाएगा और परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर आप लोग जो सरप्लस की बजट बजटरी पॉलिसी बनाओगे, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट खर्चा करेगी कम और गवर्नमेंट जो अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी ज्यादा। प्राइस रिलेटेड मेजर के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रूपी को डीवैल्यू कर देंगे, ठीक है। उसके लिए हम डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन वर्ड को जो है वो यूज करते हैं। अगर आप फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे डीवैल्यूएशन, और अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। इसके बाद है जी अपना इंपोर्टेंस, बीओपी की इंपोर्टेंस जो है वो क्या है, तो मैंने ये लिखा हुआ है, इट एनालाइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बीओपी की वजह से हम लोग जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं ऑफ एन इकोनॉमी इनटू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कि कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है सम प्रोटेक्टिव मेजर, बीओपी के बेस पर गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्टिव मेजर को अडॉप्ट करती है, जिसके बेस पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अपने को कितना कोटा या टैरिफ लगाना है कितना नहीं लगाना चाहिए। फिर इफ द इकोनॉमी नीड सपोर्ट, अगर इकोनॉमी को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट, तो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है एप्रोप्रिएट पॉलिसी टू डाइवर्ट करने के लिए इसको फंड्स को एंड टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करती है बाहर से। इफ द कंट्री इज फ्लरिशिंग एक्सपोर्टेड, अगर एक्सपोर्टेड कंट्री का बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है तो कंट्री जो है वो हम क्या करेंगे अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लेंगे, जिससे हमारा सामान और भी सस्ता हो जाएगा और भी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जाके सेल होगा। दूसरा, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज द इंडिकेशन बीओपी टू डिसर्न करने के स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसी फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल। बीओपी के बेस पर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है अपनी पॉलिसीज को जो है वो फ्रेम करती है, लाइक अपना इन्फ्लेशन पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, ये सब बीओपी के बेस पर जो है वो की जाती है। तो ये सब जो है हमारी इंपोर्टेंस है किसका, बीओपी का। ओके, हाँ जी सर, लो जी ये आपका बीओपी कंप्लीट। इसके आगे करंट का ये दे रखा है, थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और खत्म अपना। ये है एक्चुअल बीओपी कैसे बनता है। तो देखो, एक्चुअल बीओपी में सबसे पहले करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर जो है वो चार आइटम बताई थी, एक तो गुड्स, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर आएगा सर्विस, एक फिर आएगा फैक्टर इनकम, ये प्राइमरी इनकम जो है ना फैक्टर इनकम है, और फिर आएगा आपका यूनिटरी वाला, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन हो गया, ओविज, फिर यहां पर आएगा आपका क्या जो ये चेंज हुआ पिछले साल के मुकाबले में, फिर आएगा एरर एंड ओमिशन अकाउंट, ठीक है। इसके बेस पर ये टोटल जो है आपका बीओपी बनेगा, ठीक है। और एक स्पेशल बात ये है कि जो आपका बीओपी बनेगा वो किसके अंदर है, देख लो वो है अपने किसमें, यूएस के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर। तो हमारा जो बीओपी बनता है वो रुपीज में नहीं बनता, वो किसमें बनता है, यूएस डॉलर में। बनाने के लिए मैकेनिज्म आईएमएफ ने दिया, क्या नाम है उसका, बीपीएम, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। और वो जो चल रहा है करंटली वो कौन सा चल रहा है, 6 आपका जो है अभी करंट में प्रीवेल में चल रहा है। ओके जी सर, लो जी ये चार चैप्टर हम लोगों ने जो है वो टोटल मिला के रिवाइज करे, तो अपनी बुक की अगर मैं बात करता हूं तो बुक के अंदर हम लोगों ने जो है वो 8 चैप्टर में अपना पूरा सिलेबस दिया हुआ था, 8 में से 4 हमारे रिवाइज हो गए और 4 करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके हां जी सर, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, तो और भी नई नई वीडियोस जो है हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा फास्ट हुआ लेकिन मैंने आपको बताई दिया, क्योंकि रिवीजन क्लास है, जिन बच्चों ने कोर्स पहले कर लिया तो उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना, बाकी जो नए बच्चे उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, और अगर आप लोग भी दिसंबर नहीं, आप अगर आप लोग जो है वो जून 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अभी जो है मैनेजमेंट, कॉमर्स और पेपर वर्क, इन तीनों की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड, नीचे नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो भी लॉन्च करने वाले हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में और बाकी के बचे हुए टॉपिक 4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।